बस अब से कुछ ही देर में होगा केंद्रीय मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मोदी सरकार के 57 मंत्रियों के विभागों का होगा ऐलान। आज शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की पहली अहम बैठक। 100 दिन के एजेंडे के तहत पीएम कर सकते हैं बड़े फैसले। संसद सत्र को लेकर भी हो सकती है चर्चा। जय श्री राम की नारेबाजी पर फिर भड़की ममता बनर्जी। कहा, ये लोग अपराधी हैं जो मुझे दे रहे हैं गाली। देश के 24वें नौसेना अध्यक्ष बने करमबीर सिंह। एडमिरल सुनील लांबा की लेंगे जगह। लांबा आज हो रहे हैं रिटायर। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सैयद हुसैन। जी हां, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नरेंद्र मोदी की नई टीम ने शपथ ले ली है। गुरुवार शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। आज यानी शुक्रवार को शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है। हालांकि मोदी के नए मंत्रिमंडल में फिलहाल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बस अब से कुछ ही देर में विभागों का ऐलान कर दिया जाएगा। 57 मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर और रविशंकर प्रसाद के विभागों में बदलाव नहीं होगा, जबकि अमित शाह को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। फिलहाल ये अटकलें हैं। अंतिम फैसला पीएम मोदी को लेना है कि किसके जिम्मे कौन सा मंत्रालय होगा, और इस पर से सस्पेंस बस अब से कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पहली बैठक भी होनी है नई कैबिनेट की शाम 5:30 बजे। और उससे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि बस अब से कुछ देर बाद 57 मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी होने वाला है। थोड़ी ही देर में यह ऐलान हो सकता है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है हम तक, उसके मुताबिक राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर और रविशंकर प्रसाद के विभागों में शायद कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि जो बड़ी खबर हो सकती है वो ये कि अमित शाह को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। एस जयशंकर नरेंद्र मोदी के काफी पुराने साथी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब भी एस जयशंकर उनकी टीम में थे। आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य कारणों से वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। फिलहाल यह भी आप जरूर जान लें कि यह अटकलें हैं। अंतिम फैसला पीएम मोदी को ही लेना है कि किसके जिम्मे कौन सा मंत्रालय हो। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं, आपसे कुछ ही देर में यह फैसला हो जाएगा। 57 मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया जाएगा कि किसके जिम्मे कौन सा मंत्रालय जाता है, जिसका इंतजार सभी को है। और हम आपको नीचे लगातार दिखा भी रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में इस बार कौन से 57 मंत्री हैं, जो आप देख सकते हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में इन मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के साथ शपथ भी ली थी। एक एक कर उनको हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, मोदी के मंत्री। और थोड़ी ही देर में विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किसके जिम्मे कौन सी जिम्मेदारी मिली है। अटकलों की अगर माने, जो अब तक सूत्रों के मुताबिक न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास जानकारी मिल रही है, उसमें अमित शाह का वित्त मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ विदेश मंत्री हो सकते हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर काफी पुराने टीम के हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उस वक्त से वो एस जयशंकर को जान रहे हैं, उस वक्त से वो उनकी टीम में हैं। तो इस बार उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। विदेश सचिव थे एस जयशंकर। और थोड़ी ही देर में मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो जाएगा। 57 मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो जाएगा, जिसकी संभावना बताई जा रही है कि बस अब से कुछ ही देर में यह ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर में विभागों का बंटवारा होगा। शाम 5:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक भी है।
उससे पहले यह उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नए मंत्रियों का बंटवारा यानी किसको कौन सा जिम्मा मिला है यह पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में विभागों का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें राजनाथ सिंह जो इस वक्त गृहमंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर और रविशंकर प्रसाद के विभागों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह सूत्र बता रहे हैं हमें जो हमें जानकारी मिल रही है। जबकि अमित शाह जिन्होंने पहली बार कल कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्होंने शपथ ली है, पहली बार वो लोकसभा सांसद बने हैं, गांधीनगर से भारी मतों से 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे अमित शाह उस सीट से जो लालकेश आडवाणी की सीट थी। इस बार लालकेश आडवाणी की जगह अमित शाह को टिकट मिली थी और अमित शाह ने शानदार जीत दर्ज की थी, 5.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते और उसके बाद उन्होंने कल पहली बार मंत्रिमंडल में शपथ भी ली यानी कैबिनेट में वो शामिल भी हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको लगातार बता रहे हैं, अमित शाह वित्त मंत्री बन सकते हैं ऐसी संभावना लगाई जा रही है, बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी हम तक पहुंच रही है और एस जयशंकर जो नरेंद्र मोदी के पुरानी टीम से हैं उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य कारणों से वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कैबिनेट में शामिल नहीं हुई थी। और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, बाराबंकी से, जिसके बारे में आपको बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर बाराबंकी से जहरीली शराब कांड मामला है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पाया गया है कि शराब में मिथाइल अल्कोहल मिलाई गई थी। इस बात की पुष्टि आबकारी विभाग ने की है। आबकारी विभाग ने बताया कि शराब में प्रतिबंधित मिथाइल अल्कोहल मिलाई गई थी और यह शराब रामनगर के रानीगंज के सरकारी ठेके से खरीदी गई थी। देसी शराब में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद 32 नए मरीज भर्ती हुए हैं। कुछ मरीजों को आंख से दिखना भी बंद हो गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है, 32 नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अवैध शराब के कारोबारी सस्ते में खरीदकर शराब बनाते हैं, टैंकर से चोरी कर मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई होती है। सस्ते होने के चलते मिलावटखोर शराब में मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले में नया खुलासा सामने आया है। 32 नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिनके आंख से देखना बंद हो गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है, 32 नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, कुछ मरीजों को आंखों से दिखना भी बंद हो गया है, जिला अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। तो आपको याद होगा कि बस अब से कुछ दिनों पहले बाराबंकी जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब इसमें नया मोड़ अब यह आया है, यह पता चला है कि मिथाइल अल्कोहल मिलाया गया था जिसकी वजह से नए मरीज भी भर्ती हुए हैं उनको दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी उनकी चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 32 नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यूपी के बाराबंकी में ये घटना हुई थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तुषार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार श्रीवास्तव, नया अपडेट इस पूरे मामले में और भी ज्यादा चौंकाने वाला, कहा जा रहा है मिथाइल अल्कोहल की वजह से 32 नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी बंद हो गई है, क्या है अपडेट इस पूरे मामले में तुषार? बिल्कुल, देखिए आपको बताया तो बाराबंकी में जहरीली शराब का प्रकोप अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 32 नए मरीज अभी आज ही बाराबंकी के जिला अस्पताल में एडमिट हुए हैं, उनकी आंखों से देखना कम हो गया। आपको बताया कि पूरे मामले में कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिला आबकारी निरीक्षक के ऊपर कार्रवाई की गई थी, पैसों को सस्पेंड। तुषार इसको ले तुषार इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गंभीर मामला है ये? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने इस पूरे मामले पे जांच करने की बात करा और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो मरीज एडमिट हुए हैं पहले उनको बचाया जाए, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच की जाए और इस पूरे मामले को प्रशासन पूरी गंभीरता से ले रहा है, पता करने की बात कर रहा है। और तुषार थोड़ा ये भी हमें बताइए कि मिथाइल अल्कोहल कि ये पुष्टि कहां से हुई, कैसे हुई और किस तरीके से ये माना जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल के वजह से ही इन मरीजों की आंखों से दिखना भी बंद हुआ है?
से बात करें तो अभी तक जो जांच हुई फोरेंसिक जांच कराई गई, फोरेंसिक में मिसाइल पाए गए थे, और उसके आधार में बात कराया जिसकी वजह से वो एल्कोहल शराब में पाया गया वो पहले से खुली होती है और उससे लेबर दूसरे कंपनी का चुका हुआ था जिसको पीने के बाद इस तरह की घटना सामने आई। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए तुषार। तो एक बार फिर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, बाराबंकी शराब जहरीली शराब कांड में एक नया खुलासा, 32 नए मरीज अस्पताल में भर्ती हुए और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मिथाइल अल्कोहल की मिलावट की वजह से यह हादसा हुआ था और इन मरीजों को जो भर्ती किया गया है, 32 नए मरीज को, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए एक बार फिर हम अब जिस चर्चा पर थे कि अब से थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल में शामिल हुए मंत्रियों के विभागों के नाम का ऐलान हो जाएगा, हम इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। राहुल जी, शुरुआत हम आपसे ही करते हैं, एक बड़ी जीत, 303 संख्या लेकर बीजेपी पहुंचती है लोकसभा, एनडीए को जोड़ दें और वाईएसआर को भी जोड़ दें तो 375 का भी आंकड़ा छू जाती है। बड़ी जिम्मेदारी, इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए नरेंद्र मोदी ने कल शपथ भी ली, दूसरी बार 57 मंत्रियों ने भी शपथ ली और अब से कुछ ही देर में यह ऐलान भी हो जाएगा कि किन मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। मेरा सवाल आपसे, अमित शाह इस बार क्या वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था और कहा था कि कोई भी अटकलें ना लगाए जाएं, सबसे बड़ी चीज, और जिस तरह से जो भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह से संगठन को और पार्टी को अपना वक्त दिया है और जिस तरह से पार्टी को कहां से कहां लेकर आए हैं, वैसी स्थिति में उनको जो भी जिम्मेदारी दी है वो इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे, चाहे वो पोर्टफोलियो कोई भी मिले। और कुछ समय की वक्त की बात है, उस वक्त में आपको सबको, पूरे देश को इस बात का सबको इल्म हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आखिर किस व्यक्ति को, कौन से मंत्रालय को, किस मंत्री को दिया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो जिम्मेदारी इस बार मिली है वो पूरे एनडीए की सरकार बनी है जी, और प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि हमारे जो घटक दल हैं, जो हमारे साथ के जो दल हैं, उनकी भी हमारे साथ काफी उनका भी महत्व है, ये ना कि हम 303 आ गए हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महत्व है, हम पूरे एनडीए की सरकार चलाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है। लेकिन पूरे एनडीए की सरकार में जेडीयू को आपने नाराज कर दिया, नाराजगी में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हालांकि उस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे राहुल जी, उस पर एक अलग से चर्चा होगी। हम प्रेम जी आपको भी जोड़ना चाहेंगे, आपके हिसाब से जो सीट्स खाली हो गई हैं, खासतौर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं है, अरुण जेटली इस बार शामिल नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है, ये दो जो बड़ी जगह है वित्त मंत्री खास तौर से, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था जब वित्त मंत्री नहीं होते थे तो जब वो अपने स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाते थे तो पीयूष गोयल उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते थे, तो क्या इस बार पीयूष गोयल फुल टाइम होंगे या कोई नया चेहरा अमित शाह या किसी और को आप देख रहे हैं? विदेश मंत्री में एस जयशंकर की बात सामने आ रही है, वो एस जयशंकर जो काफी पुराने साथी भी हैं नरेंद्र मोदी के। प्रेम जी देखिए, सैयद जी जो अब तक शपथ ग्रहण हुआ है, जो जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, तो उस टीम को देखते हुए बहुत बातें तो स्पष्ट हैं, साफ हैं, कई आपने भी चर्चा में बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं बदलने जा रही हैं, लेकिन कुछ जो बड़े नाम जो सामने आए हैं, जैसे अमित शाह जी ने जो टीम में जगह बनाई है, तो उनके लिए जिम्मेदारी का जब सवाल आता है तो जो रह जाती जो जगह वो वित्त मंत्रालय जो है वो जगह रह जाती है, तो आपने पीयूष गोयल जी का भी नाम निश्चित रूप से बताया जिनके पास एक अनुभव भी है, लेकिन आप देखेंगे पीयूष गोयल जी ने रेलवे का भी काम काज देखा था और उन्होंने वहाँ भी अच्छा काम किया दिखाया था, तो इस तरह से और कद के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि अमित शाह जी को अरुण जेटली का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है और वो जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है, साफ ही लगता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी बात और नजर आ नहीं रही है।
और बाकी पद में देखें, विदेश मंत्रालय का सुषमा स्वराज जी को आराम दिया गया है, तो एस जयशंकर आप बार बार कह रहे हैं कि उनके पुराने मित्र हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, वो भारत सरकार के से जुड़े हुए पुराने अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, इसमें व्यक्तिगत मित्रता से ज्यादा जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके तय ये उनको ये मौका दिया गया है। साथ में एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि एक ब्यूरोक्रेसी का जो इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार, हर नेता की सरकार की चाहत होती है कि वो उसको मोल्ड किया जाए, एक संदेश दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भी एक इंडिकेशन है कि इन फ्यूचर अगर वो इस तरह से काम करते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जयशंकर जी को एक टारगेट भी दे दिया गया है कि भारत को मतलब वीटो पावर में बनाने के लिए जो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें तो वो आपकी अचीवमेंट होगी, 3 साल में आप ऐसा करके दिखलाएं, इस तरह का। ये अनौपचारिक बातें हैं लेकिन संभव है। एस जयशंकर का जिस तरह से चाइना में के साथ संबंध रहा है, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ में जो उनका संबंध रहा है, भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो उस अनुभव को देखते हुए उनसे ये अपेक्षा रखी जा सकती है। और एक बड़ा मतलब एक तरह से आप देखिए कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी का फेडरल सिस्टम है उसमें जो आजादी होती है किसी को भी मंत्रालय में बनाने की, वो चीज यहां भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा बहुमत मिला है। वो नरेंद्र मोदी जी किसी को भी चाहे तो आज मंत्री बना सकते हैं, आज एस जयशंकर उसका उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण सामने है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो विदेश मंत्रालय वाला जो मोर्चा है हमारा वो और भी सशक्त होगा, और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनते साथ ही जो पहला दौरा प्रधानमंत्री जी का तय हो रहा है वो मलेशिया का तय हो रहा है और वो मालदीव का तय हो रहा है, तो वो ऐसी जगह है जो कि पहले कुछ समय पहले वहाँ हमें महसूस हो रहा था कि उस जगह पर हमें किस तरीके से वो हमें आंखें दिखा रहा था, हमारे पड़ोस में मालदीव, वो उन सारी चीजों पर भी नजर रहेगी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से प्रेम जी ने कहा, निश्चित तौर पर डिप्लोमेट से राजनेता बने हैं एस जयशंकर, और उसके बाद डोकलाम विवाद जिसकी थोड़ा सा इशारा भी किया था प्रेम जी ने, वहां पर भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, चीन हो और यूएन हो, इन सारी चीजों पर काफी महत्व अनुभव उनको हासिल है। साथ ही साथ उन्हें 2015 में विदेश सचिव भी बना दिया था नरेंद्र मोदी ने, तो कुल ऐसा लग रहा है, ऐसी तो उम्मीद है, जिसको शायद आप फिर कहें कि अटकलें हम लगा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि विदेश मंत्री बन सकते हैं सुषमा स्वराज के बाद। वो देखिए बेशक जिस तरह का उनका इतिहास रहा, जिस तरह से प्रोफाइल रहा, वो डिप्लोमेट रहे और बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमेट रहे हैं, अमेरिका में वो एम्बेसडर के तौर पर काम किए हैं, चाइना में काम किए हैं, और 2 साल लगभग उन्होंने, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स उन्होंने एज ए फॉरेन सेक्रेटरी भी काम किया है 2015 से 2018 जनवरी के बीच में। उस स्थिति में अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है तो पूरे देश को ये विश्वास है, और कल काफी लोग, मैं देख रहा था कि सारे लोग बड़े संतुष्ट थे इस फैसले से, और सबको लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए विदेश नीति एक बहुत ही, क्योंकि विदेश नीति पर देखा जाए तो 2014 से पहले बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं किया गया था। यूएनओ में परमानेंट मेंबर को लेकर अगर बात की जाए, चाइना और पाकिस्तान ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ हमारे संबंध कैसे हों और उस संबंध से भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो बिना उनके डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि आए दिन ऐसे मामला आता है कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी, और पाकिस्तान के साथ जो खासकर कश्मीर का मुद्दा है वो सब लोगों को देख रहा है, आतंकवाद का जो मुद्दा है वो सबके सामने है, वैसी स्थिति में पूरा देश ये उम्मीद लगाए हुए हैं और हम भी ये चाहते हैं, और हमें भी लगता है कि उस स्थिति में एस जयशंकर एक बड़े ही कारगर व्यक्ति सिद्ध होंगे, और कारगर मंत्रालय अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो एक बहुत ही सक्सेसफुल डिप्लोमेट रहे हैं। और जैसा कि अभी बता रहे थे प्रेम जी कि यूएनओ में ये चल रही है बातें, फ्रांस ने कई सारे ऐसे जो परमानेंट मेंबर है जिन्होंने भारत का समर्थन भी किया है, वैसी स्थिति में ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि किसी तरह से हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में या जिस भारत की जो एक भूमिका बड़ी है आतंकवाद के खिलाफ, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, योगा को हमने इंटरनेशनल योगा डे बनाया, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं खासकर मोदी सरकार में, आतंकवाद के खिलाफ सशक्त तरीके से हम लोगों ने बात की, सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, तो ये सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन के खिलाफ हम स्वच्छता अभियान इतना बड़ा एक लेकर आए हम लोग, तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखा जाता है, और उस पे आधार पे अगर देखा जाए तो शायद जयशंकर, एस जयशंकर अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़े सक्सेसफुल एक मंत्री के तौर पे सामने आएंगे और बेहतर, उससे देश को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल, और प्रेम जी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, खास तौर से हमने वित्त और विदेश की बात इसलिए निकाली क्योंकि यही दो ऐसी जगह है
जहां पर साफ साफ है संकेत है कि इस बार कोई नया चेहरा आएगा जी, अरुण जेटली है नहीं और सुषमा स्वराज है नहीं, इसी वजह से इन दोनों जगहों की हमने बात की। लेकिन इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण चीजों पर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस बार इस कैबिनेट में तो कुछ पुराने चेहरों को आउट भी किया गया है। राजवर्धन सिंह राठौर खेल मंत्री थे, वो इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा मेनका गांधी कैबिनेट में जगह नहीं बना पाई हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इन चेहरों को बाहर करने का क्या एक संदेश दिया जा रहा है? हालांकि मेनका गांधी के बारे में एक चर्चा यह भी आ रही है, मेनका गांधी और संतोष गंगवार के बारे में यह चर्चा हो रही है कि शायद उन्हें दोनों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जा सकता है। प्रेम जी, मुझे लगता है कि देखिए अभी ये वक्त जो है विश्लेषण करना आसान नहीं है कि किसी को क्यों हटाया गया। एक टीम बनती है तो प्रधानमंत्री एक दूसरी पारी अपने तरीके से खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो उसमें अगर इस बात को देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है 24 कैबिनेट मंत्री का, 24 राज्य मंत्री का, यानी पेयरिंग का की बात एकदम आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि एक बड़ा कैबिनेट मंत्री को एक राज्य मंत्री का एक एसोसिएशन मिलने वाला है 24+24 का। तो एक अच्छी सोच दिख रही है कि एक पेयरिंग होगी और पेयरिंग में देखिए जो नए मंत्री बनने वाले हैं, मेरे ख्याल से 12 या 13 नए मंत्री हैं जो कि पहली बार मंत्री बन रहे हैं, तो उनकी पेयरिंग में उनको अनुभव भी मिलेगा। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले 9 लोग हैं तो उसमें भी सब बड़े नाम हैं, सब अनुभवी लोग हैं 9 लोगों में भी आप देखेंगे, तो उनसे भी एक अपेक्षा रहेगी। तो एक टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जरूर ये बात उठेगी, जैसे मेनका गांधी का सवाल है, उनको दोबारा मौका देने का प्रश्न है, तो वो मेनका गांधी लंबे समय से मंत्री रही हैं और मेरा ख्याल है कि एक राजनीतिक स्थिति भी होती है, अवस्थिति भी होती है। अगर वो NDA के पार्टनर होती तो सवाल ही नहीं उठता था कि उनको ड्रॉप किया जा सकता था। अब भारतीय जनता पार्टी में चूंकि और एस्पिरेंट्स पैदा हो गए हैं जिनमें इनको मौका दिया जाना चाहिए, तो किन की कीमत पर दिया जा सकता है, तो उन्होंने एक अर्धविराम इसको मान लिया जाए, यह ना माना जाए कि उनका पूर्ण विराम हो गया है। यह भी हो सकता है कि जब विस्तार हो या आने वाले वक्त में फेरबदल हो तो वापस से राजवर्धन सिंह राठौर या मेनका गांधी वहां पर आ सकती है। बिल्कुल, इस बात से भी हम इत्तेफाक रखेंगे। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं? जैसा प्रेम जी ने बताया कि अभी हम ये मानकर चलें कि ऐसा नहीं है, एक टीम होती है, टीम में कोई अच्छा चेहरा आता है, कोई चेहरा जाता है, किसी वापसी भी होती है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे 303 सांसद जीत के आए हैं, हर सांसद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक कड़ी से पूरा देश में और देश के हर कोने से वो आए हैं। तो वैसी स्थिति में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और जरूरी नहीं कि जो आदमी को मंत्रालय मिले, कैबिनेट मंत्री मिले या MOS मिले या राज्य मंत्री का दर्जा मिले, सिर्फ वही देश के डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। उसके अलावा कई सारे और भी जिम्मेदारियां हैं अभी जिसको तय करना बाकी है। तो ये देखना होगा कि जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पहले से जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उन लोगों को और भी, चाहे वो राज्य स्तर पर देखा जाए या केंद्र स्तर पर देखा जाए, कई सारी जिम्मेदारी अभी बची हैं जो देना है। मंत्रालय का जो एक्सपेंशन है वो भी होना है, क्योंकि लगभग मेरा जो मानना है 65 से 70 मंत्री का एक पूरा दल होगा, वो कब होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। वैसी स्थिति में जो भी लोग हैं वो सारे महत्वपूर्ण लोग हैं और सबको उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको उनके तय किए जाएंगे और सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों को पहली बार जिम्मेदारी दी गई है वो लोगों को, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले सरकार में 2014 से 2019 में भी देखा गया था कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस बेस्ड मंत्रालय रखने की कोशिश की थी और बीच बीच में कई बार ऐसे हुए कि जो तब्दीलियां की गई, फेरबदल किए गए, कई मंत्री को ड्रॉप भी किया गया, कई मंत्री को लाए गए, फिर नए चेहरे लाए गए। तो इन लोगों को जो अभी जिनकी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें अपने 6 महीने साल भर के अंदर में उनको अपना दिखाना होगा परफॉर्मेंस, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि अपने क्षेत्र में वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए सब कुछ अब है, अब वो बिल्कुल खुल के काम कर सकते हैं। और माननीय मोदी जी भी ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, देश को भी एक अपेक्षा है कि बेहतर काम हो। तो वैसी स्थिति में ये भी बात है कि अगर उसमें कहीं कोई कमी रहती है या आगे जो मंत्री कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं तो उसी स्थिति में कुछ फेरबदल भी की जाए तो जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिम्मेदारियों की जहां तक बात हो रही है तो कहीं कुछ प्रमोशंस भी मिले, मैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा आपसे प्रेम जी, फिर राहुल जी के पास भी आऊंगा। प्रमोशंस में गिरिराज सिंह का नाम राज्यमंत्री से इस बार कैबिनेट की तरफ वो बढ़ गए हैं, फायर ब्रांड नेता है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, गिरिराज सिंह। और दूसरे अनुराग ठाकुर थोड़े से विवादों में भी गिरे थे, BCCI का मामला आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, उसके बाद फिर दोबारा उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक अच्छी जीत के बाद वो भी आ रहे हैं, तो इन दो नामों को कैसे आप देख रहे हैं?
देखिए अनुराग ठाकुर जी को लंबा इंतजार करना पड़ा है बेशक, और मैं जैसे गिरिराज सिंह की आप चर्चा कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह जी का जो है बेगूसराय जो कंस्टिट्यूएंसी था पूरे देश में उस पर लोगों का ध्यान था, कन्हैया कुमार को उन्होंने हराया है, एक प्रतीकात्मक लड़ाई उन्होंने जीती है, तो इसका जो पुरस्कार उनको मिलना ही चाहिए था। एक तो पुराना अनुभव है, दूसरा राजनीतिक रूप से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसका पुरस्कार उन्होंने मिला है। इसी कड़ी में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी को भी पुरस्कार मिल सकता है, उन्होंने भी चूंकि बड़ा पुरस्कार, चूंकि उन्होंने एक बड़ी जीत, बड़े महत्व वाली जीत जो है बीजेपी की झोली में डाली है, अमेठी को जीत करके एक बड़ा काम किया है, और सतत उन्होंने वो लगातार उस काम में उस मकसद से जुड़ करके उसको एक अंजाम तक पहुंचाया है, तो उसका भी पुरस्कार मिलना तय है। ठीक उसी तरीके से जैसे गिरिराज जी को मिला है, इधर भी पोर्टफोलियो में उनको मिलेगा, जो उनको भी एक ओलावृष्टि या इसका समय देखना पड़ा था, कई महत्वपूर्ण विभाग क्रीमी विभाग से उनको अलग होना पड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको डिग्रेड किया गया है, लेकिन एक ये वक्त है जबकि वो दिखेगा कि नहीं, उनका वक्त जो है फिर से लौटा है। बिल्कुल सही कहा आपने, खास तौर से स्मृति ईरानी को लेकर रहे। आप क्या कहेंगे यहाँ पर राहुल जी, स्मृति ईरानी हो, गिरिराज सिंह हो, गिरिराज सिंह को जिनको ऑलरेडी मिल गया एक प्रमोशन राज्य मंत्री से, इस बार सीधे कैबिनेट मंत्री में वो आ गए हैं, अनुराग ठाकुर काफी उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया, कई विवाद हुए हैं, बीसीसीआई से वो उभरे, जीत दर्ज की, एक बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, और अब कैबिनेट मंत्री फाइनली फिर से बन गए हैं वो। देखिए ये नाम कैसे देख रहे हैं इन दोनों लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, सब खासकर अगर अनुराग ठाकुर जी की बात करें तो वो एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं और युवा भी हैं, और युवा भी हैं, और सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं, खासकर राजनीतिक जीवन में भी आप रहते हैं, तो तमाम तरह की उलझने आती हैं, कई बार कई तरह के विवाद भी होते हैं, लेकिन उन सबके बावजूद उन्होंने जो गंभीरता बरती, और जिस तरह से पीछे संसद में भी देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी गंभीरता से और बड़े मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कई बार उनको जो मौका मिला तो उन्होंने रखा संसद के अंदर, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत ही गंभीरता से राजनीति किया है जी। उन्होंने कभी भी कोई विवाद पैदा नहीं होने की कोशिश की कि कोई विवाद पैदा ना हो इस तरह से, और बड़े ढंग से उन्होंने, और खासकर जो युवाओं में उनका एक क्रेज है, मैं आज भी बता दूं कि आज भी जो युवा वर्ग है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है, उनमें अनुराग जी का काफी क्रेज है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुराग ठाकुर एक बेहतर मंत्रालय या जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसको एक बेहतर तरीके से वो उसको निभाएंगे, और वो एक बेहतर मंत्री के तौर पे सामने आएंगे। सेम चीज मैं कहना चाहता हूं गिरिराज जी के साथ, क्योंकि गिरिराज जी को जब मंत्रालय दिया, वो राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री से फिर उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया, इस बार कैबिनेट मंत्रालय दी गई, तो उनके अंदर एक जज्बा है, वो थोड़ा जुनूनी आदमी है, मतलब उनको लगता है कि हमें काम करना चाहिए। रही बात फायर ब्रांड या बाकी चीजें, वो तो अपने अपने आदमी का नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है अपनी तरह से, किस तरह से वो अपने आप को, वो व्यक्तिगत होता है, उस पर ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं। और स्मृति ईरानी जी के बारे में भी कहा गया, स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल में जब वो 2014 में हार गई, उसके बाद जब मंत्री बनाया गया तो विपक्ष के तरफ से और तमाम तरह से समाज के में कई चीजें बातें आई, कह रहे उनको कैसे बनाइए वो, लेकिन 5 साल में जितनी सशक्तता से जितनी सक्षमता से उन्होंने समाज में और जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई, और जिस तरह से लगातार वो अमेठी में काम करती रही, लगी रही, अभी कुछ दिनों पहले की एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां पर थे सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद, उन्होंने जो एक मुस्तैदी दिखाई, उन्होंने उनके लास्ट जो फ्यूनरल होता है उन्होंने कंधा दिया, साथ में उन्होंने कहा कि अगर पताल में भी होगा जो अपराधी तो उसको हम ढूंढ के निकालेंगे, तो ये तमाम चीजें उनको कनेक्ट करता है, और उनके अंदर वो जज्बा दिखता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए जनता के लिए, यानी एक बड़ा उपहार उन्हें भी मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है राहुल जी। लेकिन एक सवाल प्रेम जी, खासतौर से जब कल मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे थे तमाम मंत्री, जब रामविलास पासवान जी का नंबर आया, उन्होंने शपथ ली, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए वो, कि रामविलास पासवान एक ऐसे मंत्री जो किसी की भी सरकार हो वो मंत्री पद की शपथ जरूर लेते हैं, इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, और ऐसा माना जा रहा है प्रेम जी कि इस बार उनका जो जिम्मेदारी है, जो विभाग है, वो भी नहीं बदला जाएगा, वही का वही रहेगा। पासवान साहब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उम्मीदें ये थी कि एलजेपी से इस बार शायद चिराग पासवान को प्रमोशन मिल सकता है, युवा चेहरे के ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान को अभी भी इंतजार ही करना होगा। बिल्कुल सैयद जी, रामविलास पासवान जी की भी इच्छा यही थी कि चिराग पासवान को इस बार प्रमोट किया जाए, उन्हें मंत्री बनाया जाए,
लेकिन मंत्री बनना और नहीं बनना ये उनके हाथ में नहीं है, किसी मंत्री बनने वाले व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर उनको कह दिया कि रामविलास पासवान जी, हम आपको ही अपनी कैबिनेट में चाहते हैं फिर से। उन तो ये मैसेज बारेआम है, सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। तो रामविलास पासवान जी फिर से उनके कैबिनेट में शामिल हुए, और चूंकि उनके पास लंबा अनुभव रहा है इस कैबिनेट में, सबसे उम्रदराज व्यक्ति वही है, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति रामविलास पासवान जी ही हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, जो चिराग पासवान को स्थापित करने की जो उनकी मंशा रही है, उस हिसाब से देखें तो ये एक मौका और उनको इंतजार करना पड़ेगा, या थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो रामविलास पासवान का अनुभव है, उसका फायदा लेने से नरेंद्र मोदी जी चूकना नहीं चाहते, इसलिए संभव है कि उनके विभाग न भी बदले जाएं, और बदले जाएं या न बदले जाएं ये बड़ा प्रश्न नहीं है। वो उनको कोई भी विभाग मिले तो रामविलास पासवान जी एक सक्षम व्यक्ति हैं, हर तरह के मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पासवान साहब के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये एनडीए ही से जुड़े हुए थे, एलजेपी और बिहार से ही थे, बिहार में जेडीयू से थोड़ी नाराजगी, लेकिन एलजेपी साथ में रही, रामविलास पासवान बने, चिराग पासवान से उम्मीदें थी। राहुल जी, देखिए सबसे अहम बात यह है कि ठीक है, चिराग पासवान भी युवा नेता हैं और सशक्त नेता हैं, उनके भी अपनी समझदारी है, लेकिन जो मंत्रालय तय करने की बात हुई उसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे एनडीए के घटक दल थे उनसे ये कहा गया कि सारे घटक दल से एक एक कैबिनेट मिनिस्टर लिए जाएंगे, और उस आधार पर यह था कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम फ्रेश में चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया सकता, या तो एमओएस या फिर स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जा सकता था। उस स्थिति में जब बात हुई कि कैबिनेट मंत्रालय दी जाए, तब हुआ कि ठीक है, रामविलास पासवान जी को इस बार रामविलास पासवान जी को ही मौका दिया जाए, और वो उनका एक अनुभव जो एक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रहा है, खासकर एक मंत्रालय में रहने का जो अनुभव है वो बड़ा लंबा रहा है, लगभग हमको लगता है कि 20 से 25 साल का उनका अनुभव है एज ए मंत्री काम करने का। तो बेशक जिस तरह से कल मंत्री के गठन के बाद और सारे लोगों ने ओथ लिया, तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो पूरा मंत्रालय हमारा है वो अनुभव, प्रशासन और युवाओं का एक मिश्रण है, और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से काम करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यही कारण था, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम सारे जो घटक दल थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, आप देखेंगे कि जितने भी घटक दल से एक एक मंत्री बने हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, और फर्स्ट टाइम में चिराग जी को शायद कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, थोड़ा सा चूंकि अनुभव को लेकर चीजें थी, तो आगे समय में वो एक अच्छे राजनेता सिद्ध होंगे, और वैसी स्थिति में आगे उनको मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो रामविलास पासवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं वो बेहतर है। जी सैयद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे मैं विशेष खास तौर पर प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार ही मानूंगा। देखिए, अनुभव तो मंत्रालय में एस जयशंकर जी का भी नहीं है, जो भी उनका अनुभव है सरकार का है, और अगर आप बोलें कि उसमें और इसमें कंपेयर है तो आप आरके सिंह को भी आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, वो भी प्रशासनिक अनुभव बड़ा रखते हैं लेकिन उनको कैबिनेट तो नहीं मिला है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है कि उनको नए व्यक्ति को अनुभव नहीं है इसलिए हम उनको डायरेक्ट कैबिनेट में कैसे ले सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार रहा है, जैसे एस जयशंकर को ले सकते हैं, जैसे आरके सिंह को नहीं ले सकते हैं, उसी तरीके से लेना या नहीं लेना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार। बिल्कुल, बाबुल सुप्रियो भी दूसरी बार बन के आ रहे हैं सांसद, और दूसरी बार चिराग पासवान भी बन रहे हैं, तो अगर ले सकते थे तो ले सकते थे आप चिराग पासवान को भी। बहरहाल एक सवाल प्रेम जी ये करना चाहेंगे कि घटक दल की बार बार बात कर रहे हैं राहुल जी, और कह रहे हैं हर घटक दल को साथ में लिया गया, एनडीए में जेडीयू के साथ आखिर क्या हो गया, क्योंकि लगातार यह चर्चा चल रही थी कि जेडीयू शामिल होगा, मंत्री बनेंगे, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, नीतीश कुमार की काफी लंबी चौड़ी मुलाकात होती है, उसके बाद फिर आखिरी लम्हों में, बिल्कुल आखिरी लम्हों में नाम वापस ले लेती है जेडीयू और कहती है कि हम सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से हम समर्थन करेंगे। ये क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं देखता, मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है वो राजनीति ही इस तरह से रही है कि वो अपने विकल्प को बंद नहीं रखती है, वो अपने विकल्प को खुले रखती है, और अपना एक प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रुप का के तौर पे वो काम करती रही है। एनडीए में रहते हुए आपने देखा, वो चुनाव परिणाम आने से पहले भी उन्होंने जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था जैसे विकल्प खुले हुए, वो कॉमन मिनिमम
प्रोग्राम की भी बात उन्होंने कही थी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी बात तो हुई नहीं। ऐसा परिणाम आ गया कि न घटक दल बात उठा सके, न बीजेपी को गरज है कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए सरकार चलाने के लिए, तो वो हुआ नहीं। और इसके पहले भी अब थोड़ा पहले चले जाएं तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो ये गठबंधन से हट गए थे, जब वो जीते थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दी थी, जीतन राम मांझी को बना दिया था, इस तरह के संबंध रहे हैं। फिर एक समय आया जबकि ये दोबारा एनडीए में गए हैं, और उसके बाद हर बार इनकी रणनीति जो है चुनाव को देखते हुए होती है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव किन के साथ लड़ने वाले हैं, क्या ऑप्शन रहे, वो ऑप्शन क्लोज नहीं करना चाहते, इस वजह से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। ये उनकी राजनीति है। इसमें नहीं है कि जो खबरें ये भी आ रही थी कि वो चाह रहे थे कि तीन मिले या कम से कम दो मिले, ललन सिंह और आरके सिंह पर लगातार बातें चल रही थी, उसके बाद एक की जब बात आई तो शायद वो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे अच्छा है कि फिर दोनों ही, हम अगर नहीं होगा तो फिर दोनों नहीं बनेंगे। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि आपसी रंजिश को जेडीयू के अंदर में सिर्फ अटवल हो, इससे अच्छा है कि वो सरकार से बाहर हो गए? ये तो व्यवहारिक बातें होती ही हैं कि अगर सरकार में बनने जाना है तो हम अपनी मांग को ठीक है। प्रेम जी, इस वक्त नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत जरूरी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, सीधे हम आपको ले चलते हैं। जब एनडीए की बैठक हुई थी और उस दिन के बैठक के बाद में संसदीय दल की बैठक जो हुई थी और उसके बाद जो राष्ट्रपति भवन हम सब लोग गए थे, बीजेपी के नेता के रूप में भी उनका चयन हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उसके बाद एनडीए की तरफ से भी उनका चयन हुआ, और उस दिन जो राष्ट्रपति भवन में जाकर हम सब लोगों ने अपना समर्थन भी वहाँ भी दिया, मीटिंग में भी दिया, वहाँ भी दिया लिखित रूप से, उसके बाद लौट रहे थे वहाँ से, तो उसी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि जो बात करनी है तो कब, 28 या 29, हमने कहा कि 28 तारीख को तो हम पटना में रहेंगे, उस दिन हम लोगों का इफ्तार है, 29 को आ जाएंगे, तो वही उनके ही कहने पर, वरना हमको तो 30 तारीख को जाना था। हम वहाँ गए थे वैसे सुबह, यहाँ भी उनका फ़ोन आया, फिर हम क्या आ ही रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद उनसे स्वाभाविक है कि उन्होंने बुलाया था तो हम गए थे मिलने। तो उस समय जो बात कही गई कि उन्होंने ये बताया कि हम लोग अपने सभी एनडीए के घटक दलों को एक एक सीट जिसका नाम दिया वो दे रहे हैं और आपको भी एक का देना है, तो हम उनकी बात सुनते रहे। फिर हमने कहा कि जहां तक सवाल है बीजेपी का, उसको तो पूर्ण बहुमत है और हम सब लोगों का समर्थन है, लेकिन जो उनकी बात से लगा कि वो एनडीए के घटक दलों को और जेडीयू को भी वो एक सांकेतिक रूप से प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो उस समय भी हमने कहा था कि इसकी कोई खास आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आप लोग करिए, तो हमने कहा कि नहीं, उसमें और लोगों को कितना बना रहे हैं, बिहार में भी कितने लोगों को क्या कर रहे हैं, ये सब हम जानना चाहते थे। तो जब उन्होंने एक ही की बात कही और कहा तो ये मतलब कि सिंबॉलिक सबका पार्टिसिपेशन, और इंडिया के सभी जो उनकी समस्या घटक दल हैं और जिनके सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो हमने कहा कि भाई इसमें तो हम भी समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं तो हम अपने पार्टी में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लौट कर गया तो पार्टी के जो हमारे कोर टीम है, क्योंकि बिहार में ही सब लोग विजयी हुए हैं और जो भी सरकार में शामिल होते तो बिहार के ही हमारे 16 लोकसभा में जीते हैं, राज्यसभा में 6 हैं, एक अभी पेंडिंग है कोर्ट में, तो 6 हैं राज्यसभा में, 16 हैं लोकसभा में, और सब बिहार से ही हैं, तो बिहार की जो कोर टीम, हमने सब लोगों से बातचीत कि ऐसा प्रस्ताव है, तो हमारे सब लोगों ने कहा कि यह उचित नहीं, यानी एक जो सांकेतिक होता है उसकी भागीदारी की कोई ज़रूरत नहीं, अगर भागीदारी करेंगे तो कोई प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये बात हमने कहा था कि कोई भागीदारी होती है तो सचमुच कौन कितना भागीदार हो रहा है, कितने नंबर ऑफ सीट्स पर किसी को देंगे, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये हम लोगों के पार्टी के सब लोगों की ये बात थी, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसमें हम लोगों को कितनी सीट चाहिए इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा,
एक शब्द में आज हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि हम लोग तीन मांग रहे थे तो क्या मांग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं। जो उनका सिंबॉलिक सांकेतिक प्रतिनिधित्व की बात आई तो बातचीत के सिलसिले में भी हमको ये कुछ ऐसी बात लगी कि भाई पार्टी के लोग एग्री करेंगे तभी तो, और वैसे इसकी आवश्यकता क्या है। मैंने उतना भी कहा था कि हम लोग सब साथी हैं, सपोर्ट किया है सब तरह, न सिर्फ मीटिंग में सपोर्ट किया है लिखित भी किया, तो कोई आवश्यकता तो है नहीं सिंबॉलिक प्रेजेंस की। और अलायंस जब होता है तो अलायंस में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हम लोगों की फीलिंग। और आप जानते हैं इसके पहले भी केंद्र में सरकार रही है अटल जी के नेतृत्व में, या हम लोग बिहार में जो भी हमारा गठबंधन रहा है उसमें एक इस तरह की बात रहती है। तो जैसा हमने बताया, हमने पार्टी के सभी साथियों से बातचीत की, तो पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे संगठन महासचिव हैं, सब लोगों से हमने बातचीत की। तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये उचित नहीं है कि हम लोग सांकेतिक भागीदारी करें, अगर भागीदारी करना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग तो साथ में हर हालत में साथ में। तो फिर उनको ये बात कम्युनिकेट किया गया, तो जब कम्युनिकेट किया गया तो फिर रात में उनके यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं मेरे यहाँ आए, पहले तो दिन में ही बुला करके कम्युनिकेट कर दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई थे और कम्युनिकेट किया गया, फिर रात में आकर के उन्होंने कहा। हमने कहा भाई सब लोगों ने तो यही बात कर दी है तो ये बात ही है, इसको मान करके चलिए और हम लोग तो साथ हैं, उसकी चिंता मत करिए कि हम लोगों को कोई अफसोस है, कोई परेशानी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ हैं और मिल करके, और बिहार में ही जो कुछ भी ये जीत हुई है बिहार में हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं बिहार की के लिए ही, बिहार के हित में ही हम लोगों ने ये अलायंस किया है ताकि बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, जो बिहार का पिछड़ापन है वो समाप्त हो, तो इसी के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है। तो उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं है, बिहार में हम लोग काम ही कर रहे हैं, केंद्र में सांकेतिक रूप से भागीदारी की हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, हम लोग ऐसे ही आप लोगों के साथ, फिर कह करके भेज दिया। उसके बाद फिर सुबह में फोन आया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो फिर मैंने कहा कि कल ही हमने श्री भूपेंद्र जी को बता ही दिया है तो वही बात, तो ये फाइनली हम लोगों ने कह दिया कि पार्टी के लोगों को और बताई, हमने पार्टी के सब लोगों से बातचीत कर लिया और कोई अगर सहमत हो तब ना, और कोई आवश्यकता ही नहीं है सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन की, अगर सरकार में सरकार के तो समर्थन में है और बीजेपी को तो अपना पूर्ण बहुमत है, तो कोई अगर पार्टिसिपेट ऐसे भी करना हो तो, या अगर जिसको कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हो तो एक बात होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो सांकेतिक भागीदारी की जरूरत क्या है, हम लोग तो ऐसे ही साथ में, तो यही बात हुई। और क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन, तो उनको डिसाइड करना था क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए था, बिहार का प्रोपोर्शन या देश का प्रोपोर्शन, वो जो भी डिसाइड करते उससे हम लोगों को तो कोई बात नहीं थी, प्रपोजल होता तब ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमने कहा कि नहीं हमको इतना चाहिए, हमने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। उनका प्रस्ताव था एक का, तो उस पर था कि ये तो एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक है कि हर की भागीदारी होगी, अरे भाई बिना सरकार में रहे भी तो साथ में, कोई आवश्यकता उसकी क्या है? पूर्ण बहुमत आने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी का रवैया गठबंधन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वो खुद से अकेले से सब कुछ तय कर रही है? ऐसा ऐसा हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम लोग साथ हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में जो जिस तरह से कंपेन हुआ और जैसा पूरी बुलंदी के साथ हम लोगों ने कंपेन किया, आप सब लोग जानते हैं, तो सब लोगों ने एक दूसरे का सहयोग भी किया है और हम लोगों ने भी जो काम किया सब पर चेहरा बनाया है, उसमें से चार जो है वो कैबिनेट में, इस कैबिनेट में अति पिछड़ी जाति का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, जो पांच मंत्री बने उसमें से चार अपर कास्ट के हैं, एक नित्यानंद राय जी, सोशल कॉम्पोजिशन को आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस सामाजिक समीकरण को कैसे देखा? नहीं देखिए ना, हम उनके सरकार के गठन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते, ये उनका अपना निर्णय, हम लोगों की भागीदारी के बारे में चाहते थे तो जैसा हमने कहा सिर्फ सांकेतिक भागीदारी का तो कोई मतलब नहीं है, हम तो जब भी कोई भागीदारी होती, और अब तो खैर उसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि बिहार जैसे राज्य में
आपने इतने लोगों को बना दिया तो आपके अंदर ही एक्का दुक्का और होंगे जिसको कभी बनाइएगा, जो कुछ भी करिएगा, ये तो उनका निर्णय, हम लोगों के लिए तो कोई इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं। और जो आप कह रहे हैं यह उनका अंदरूनी फैसला है। और जहाँ तक सवाल है समाज के गरीब गुरबा तबकों का, जिसके लिए हम लोगों ने बिहार में सेवा की है और वो प्रारंभ से ही जिस तरह से जिस मजबूती के साथ वो बोलते नहीं हैं, एक होता है कुछ तबका वोकल होता है और उसी को लोग ध्यान में देते हैं और उसी के आधार पर एनालिसिस करते हैं, और हम लोगों के साथ जो है वो इस तरह से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आप देखते हैं पूरी मजबूती के साथ। और जरा सा देख लीजिए, कोई फोटोग्राफ देख लीजिएगा कि कितना टेम्परेचर है और कौन लोग खड़ा होकर के वोट कर रहे हैं। तो जिस मजबूती के साथ हम लोगों के साथ जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, महादलित समुदाय के लोग हों, ये सब लोगों का जो भागीदारी है, महिलाओं का, इस तरह से समाज के कमजोर तबके के लोगों का तो भागीदारी है, और उसके लिए हम लोगों की हमारी प्रतिबद्धता है, हम सब दिन से करते रहे। ये बात हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हम अलायंस में हैं, हम उनके समर्थन में हैं, और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत है तो यह उनका निर्णय होता है कि उनके किनको वो मंत्री बनाएंगे, ये उनका अपना निर्णय। उस मामले में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारी पार्टी की राय कोई सांकेतिक भागीदारी की नहीं थी, कि बिना सांकेतिक भागीदारी के हम लोग पूरी मजबूती के साथ साथ रहेंगे। सांकेतिक भागीदारी की आवश्यकता नहीं। और आज से सब लोगों को हम बता देंगे ये नंबर की बात, ये सब बेकार बात है। आज भी हम सुबह भी वहाँ अखबार देखे और रास्ते में भी प्लेन में भी कई अखबार देख रहे थे, आवश्यक बात है। बिहार में सरकार डेलीबरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आपको कोई प्रस्ताव आया है? केवल अमित शाह जी या भूपेंद्र यादव जी बात करते रहे? नहीं, अब अमित शाह जी, और जब बात करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, जब हम वहाँ गए थे तो उसमें भूपेंद्र यादव जी उनके साथ बैठे हुए थे, और जब हमने सब लोगों से बातचीत कर लिया तो भूपेंद्र जी को बुला के कहा कि भाई कम्युनिकेट कर दे, तो उनको कम्युनिकेट कर दिया था बुला करके। फिर रात में हो सकता है उनको लोगों ने कहा होगा कि फिर जाओ, फिर आकर के वही बात बोल रहे थे। आगे प्रस्ताव आएगा तो आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? आप देखिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये हम लोग उनके साथ हैं, बिना मंत्रिमंडल में गए साथ हैं, ये जो कुछ भी होता है शुरू में होता है। बिहार में इसके बाद फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुई है तो लोग कहेगा कि ये नाराज थे और इनको इतना चाहिए था, अब मिल रहा है तब जा रहे, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बिहार में कोई आगे भी हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत है? उनकी अपनी इतनी बड़ी संख्या है और हम लोग सब साथ दे रहे हैं, तो आगे भी क्या आवश्यकता है? इसलिए ये क्योंकि आगे की बात आप पूछ रहे हैं, कहेंगे तो लोग यही कहेंगे ये इतना चाह रहे थे, इनको अब इतना मिल रहा है या उसके आसपास मिल रहा है, जाएंगे। वैसी कोई बात नहीं। हमारे दल में अगर जो बात होती, अगर तो नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर साफ कर दिया कि वो प्रोपोर्शनल चाहते थे। प्रोपोर्शनल क्या था उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक साहब, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। प्रेम जी, हम लोग लगातार ब्रेक से पहले, मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर में, और उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उन्होंने खुलकर यह कह दिया कि प्रोपोर्शनल चाहते थे। प्रोपोर्शनल इस तरीके से हुआ कि 9 यूपी से मिला है मंत्री को, जगह मिली है मंत्रिमंडल में, महाराष्ट्र से 8, बिहार से पांच, जेडीयू 0, जेडीयू को 1 मिल रही थी, 17-17 दोनों लड़ रहे थे, तो क्या ये नाराजगी थी? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि ये नीतीश कुमार जी की आगे की जो राजनीति होती है उसके हिसाब से वो फैसले लेते हैं। इसमें मैं ये मान रहा था कि बीजेपी का बहुत योगदान नहीं है, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद में ये साफ लगता है कि वो जिम्मेदारी जो है बीजेपी पर ही थोप रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहते थे,
प्रतीकात्मक नहीं चाहते थे। आनुपातिक का मतलब दो तरीके से हो सकता था, या तो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटक दल हैं उनको क्या दिया गया है उसके हिसाब से जेडीयू को दिया जाए, और दूसरा कि प्रदेश के स्तर पर जो बराबरी की लड़ाई 17-17 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी ने कुर्बानी देकर के 5 सीटों की लड़ी थी, तो जब 17 सीटें जीत करके बिहार से 5 मंत्री आप बना रहे हैं तो जेडीयू को भी उस हिसाब से सोचा जा सकता था। ये दूसरे मतलब थे। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि कोई भी मतलब होता वो उनका अधिकार था कि वो निकालते, लेकिन एक बात साफ उन्होंने कही कि हम एनडीए के साथ हैं, फिर भी भाव दिया कि फिर भी हम उदास हैं, एनडीए के साथ हैं मगर हम उदास हैं। राहुल जी, भाव उन्होंने साफ तौर राहुल जी नाराजगी पहले ही दिन दिख गई एनडीए के अंदर में, खास तौर से नीतीश कुमार ने। इससे पहले हम लोग ये लग रहा था कि नीतीश कुमार का निजी फैसला होगा, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर कर दिया कि शायद प्रोपोर्शनल तरीके से सीटों मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज। नहीं देखिए, अगर सीटों का देखें तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना जीत कर आई है, एलजेपी है, तमाम एनडीए के घटक दल हैं, अपना अकाली दल है, सब लोग हैं, और उस स्थिति में नहीं तो महाराष्ट्र में 100% रिजल्ट नहीं गया था ना, यहाँ पर तो 100% था। 17 में खड़े होते हैं और 17 के 17 जीत जाते हैं, 17 में आप भी खड़े होते हैं और 17 में 16 जीते हैं, 17-16। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले जो एक 5 सीटों की कुर्बानी दे करके जेडीयू से समझौता हुआ था, वो जेडीयू इस बात को कैसे कबूल करे कि उसको मतलब एक सीट दिया जाए जैसे दूसरों को दिया जा रहा है, इस बात को प्रतीकार क्यों ले, उन्होंने खुलकर बोल दिया राहुल। नहीं नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्णय लिया, जो मुझे लगता है जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया कि कैसे सब लोगों को मंत्रालय में सब लोगों को समाहित किया जाए, उसमें यह था कि जितने भी घटक दल हैं वो सारे महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, क्योंकि एक एनडीए की सरकार बनानी है और सभी दलों से एक एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उसके बाद आगे आने वाले समय में क्या फैसला होता नहीं होता वो पार्टी अपने तरफ से करती। लेकिन तो आगे आने वाले समय को भी उन्होंने नकार दिया, उन्होंने बोला कि अब नहीं तो आगे भी नहीं, साफ तौर पर उन्होंने जो कहा उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो उनका अपना विचार है, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया, उस पर मुझे नहीं कुछ कहना, और वो बहुत ही सम्मानित नेता है हमारे लिए, और आगे भी जैसा उन्होंने कहा वही सम्मान वही मजबूती हमें भी है, वो चाहे बिहार के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हम लोग। चलिए ठीक है राहुल जी, तो ऐसे में हमें लगता है कि आगे हम लोग बड़े मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और आप तो मजबूती के साथ रहेंगे, ये तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि आप मजबूती के साथ रहेंगे, आपको तो किसी तरीके की चिंता नहीं है, खुद अकेले 303 सीट हासिल है, और इस बात का जिक्र 2-3 बार किया नीतीश कुमार ने। नहीं नहीं, मजबूती के साथ मतलब हम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है उस मजबूती की बात करें, एनडीए के तौर पे हम, और आने वाले समय में वहां विधानसभा चुनाव है। मेरा यही सवाल था संजीव कौशिक जी से कि इसका इंपैक्ट, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, घटनाक्रम भी देखा, कल किस तरीके से आखिरी लम्हों में नीतीश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, हां बाहर से समर्थन हासिल है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, इसका इंपैक्ट अगले साल 2020 में कितना पड़ सकता है, कितना रखेगा? देखिए नीतीश बाबू जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे या बोलने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़ा सा छुपा के बोलने की कोशिश कर रहे थे, बात वही है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखता भी नहीं और कुछ छुपता भी नहीं, तो उनके मन में जो है वो बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो सारे लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत अभी कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि बाराती में जिस तरह से फूफा की स्थिति जो होती है वो बात बात पे रूठ जाता है, उसको पता है कि हमारे जाने या नहीं जाने से बारात रुकने वाली नहीं है और शादी भी होने वाली है, तो उनकी स्थिति आज के डेट में यही है, वो समझते हैं, खूब समझते हैं अपनी स्थिति कि यदि मैं शामिल हूं या ना हूं सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन्हें अपने यहां उनके जो अपने वोटर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके बीच में एक संदेश देना है कि मैं इतना झुक करके किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करने जा रहा हूं। यदि मुझे, सीधी सी बात है जिसपे आप लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि बराबर बराबर की हिस्सेदारी की बात है, मैंने भी उतने ही सीट लाए हैं, आपने भी उतने ही सीट लाए हैं, फिर आखिर हम क्यों 17 में 17 में हम क्यों पीछे, यदि आप हमें सम्मानजनक जगह नहीं देते हैं तो हम अपने वोटर्स के बीच में ये मैसेज हम पास आउट करें कि हम सब सरकार में शामिल होने के लिए इतने लालायित हैं, जबकि खूब पता है कि हम शामिल हों या ना हो। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर, अमित शाह गृह मंत्री बन गया है, बड़ी खबर इस वक्त की, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, तो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन, अमित शाह को गृह मंत्री बना दिया गया है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री से वित्त मंत्री बन गई है, तो यह बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आखिरकार थोड़ा सा पर्दा हटा है, तीन बड़े चेहरे, तीन बड़ी जिम्मेदारी का नाम सामने आ चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमित शाह गृह मंत्री, और इस वक्त की यह बड़ी खबर
अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं। लगातार चर्चा चल रही थी कि अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वित्त मंत्री या गृह मंत्री में से एक, और गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने शुरू में भी कहा था, पूरी संभावना जताई थी कि गृह मंत्री भी बन सकते हैं, और वो हो गया है। अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री से वित्त मंत्री बन गई हैं और राजनाथ सिंह गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बन गए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का पदभार पहले भी संभाला है, तो एक बार फिर उस भूमिका में नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हमारे तमाम मेहमान इस वक्त बने हुए हैं उन्हीं से इस पर एक बार फिर चर्चा। प्रेम जी, जिसकी संभावना बताई लगाई जा रही थी अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्री अमित शाह बन गए हैं लेकिन निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, सरकार में जयशंकर विदेश मंत्री, हम लोग लगातार बात कर रहे थे, हम लोग लगातार बात कर रहे थे प्रेम जी, जी विजयशंकर को विदेश मंत्री की बात, और एस विजयशंकर वित्त मंत्री भी, माफ कीजिएगा, विदेश मंत्री बन गए हैं। तो लगातार हमारी खबरों पर मुहर लगती हुई प्रेम जी, सरकार में नंबर दो की पोजीशन पर अमित शाह किस जगह पर बैठते हैं, वित्त मंत्री या गृह मंत्री, इसी को लेकर के बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री का पद जो है दूसरे नंबर के तौर पर रखा है। और परिवहन मंत्री यानी कंटिन्यू, चूंकि गृह वित्त मंत्रालय में कोई उतना बड़ा कद का नेता अरुण जेटली की तरह का न होकर के निर्मला सीतारमन को रखा गया है, तो एक स्पष्ट संकेत है कि दो नंबर दो अमित शाह गृह मंत्री, नंबर दो अमित शाह, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, यानी यहां पर भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, यानी कुछ चीजें वही की वही। राहुल जी, वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमन, जबकि लगातार पीयूष गोयल का नाम सामने आता था, गैर हाजिरी में अरुण जेटली के पीयूष गोयल ही संभालते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो, कैसे आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन? नहीं, निर्मला सीतारमन जी एक बहुत ही काबिल, एक काबिल नेता के तौर पर, राजनयिक के तौर पर, और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने जेएनयू और आईआईटी से तमाम जगहों से उनकी शिक्षा हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो नई जिम्मेदारी, और खासकर उन्होंने एक रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के तौर पर जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, वो बड़े सशक्त लेडीज के तौर पर और बड़े आयरन लेडी की तरह उन्होंने निभाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो वित्त मंत्रालय को भी बड़े प्रभावी तरीके से निभाएंगी, और जो भारत में एक वित्त मंत्रालय की अपनी भूमिका है, खासकर देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए जो एक जरूरत है, उस काम में वो कारगर सिद्ध होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे चर्चा करेंगे, इसके पहले एक छोटा सा ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी खबर लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर जारी है, और हम एक एक कर आपको विभागों की बात भी बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अमित शाह को गृह मंत्री का पदभार दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ताजुब है, तो बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री पहले भी थे और अभी भी उसी पर बरकरार। हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, यानी यहां पर भी बदलाव नहीं, तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, तो ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो अभी तक आया है सामने, वो ये कि गृह मंत्री अमित शाह हो गए हैं और निर्मला सीतारमन हो गई हैं वित्त मंत्री। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री, तो ज्यादा बदलाव नहीं। हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, पहले भी वही। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, यहां पर भी बदलाव नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्मृति ईरानी को इस बार महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अमेठी में उन्होंने शिकस्त दी थी राहुल गांधी को। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको एक बार फिर बता दें, अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत के, मुहर लग गई है इस पर। राजनाथ सिंह अब रक्षा मंत्री, हालांकि राजनाथ सिंह इससे पहले भी रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल चुके हैं। निर्मला सीतारमन जो रक्षा मंत्री थी वो अब बन गई हैं वित्त मंत्री। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बढ़ाने को कहा गया, यानी रेल मंत्रालय पहले भी उनके पास था और एक बार फिर पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय। कयास ये लग रहा था कि शायद वित्त मंत्री बन सकते हैं पीयूष गोयल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एस जयशंकर विदेश मंत्री, जिसके पूरी उम्मीद थी, पीयूष गोयल रेल मंत्री ही बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज ऑल इंडिया पर आप देख रहे हैं, मंत्रियों के नामों का ऐलान हो गया है, मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये तस्वीर देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन गए हैं, मोदी के मंत्री राजनाथ सिंह जो पहले गृह मंत्री थे अब रक्षा मंत्री बन गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजनाथ सिंह
देश के रक्षा मंत्री होंगे और उनकी जगह गृह मंत्री अब हो जाएंगे अमित शाह, यानी नंबर दो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, नंबर वन और नंबर टू पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, यानी जिस मोदी शाही की बात हो रही थी वो आखिरकार मोदी शाही होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री, थोड़ा सा बदलाव, पर्यावरण मंत्री बने हैं प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, कोई बदलाव नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, एक के बड़ी जिम्मेदारी दी गई है स्मृति ईरानी को भी। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, इससे पहले भी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, पीयूष गोयल को रेल मंत्री, यानी उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण, जो इससे पहले रक्षा मंत्री थी, और गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह, इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। तो ये बड़ा बदलाव जिसकी उम्मीद की जा रही थी, अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद की जा रही थी, और अमित शाह नंबर टू की पोजीशन पर कहा जा सकता है आधिकारिक तौर पर। तो विभागों का ऐलान कर दिया गया है, बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, आप देख रहे हैं कि कौन सा विभाग किसको दिया गया है, और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं। स्मृति ईरानी, जिन्होंने शानदार तरीके से राहुल गांधी को हराया था, कांग्रेस अध्यक्ष को हराकर उस सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे पारंपरिक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पर जीत दर्ज की थी स्मृति ईरानी ने, 52,000 मतों से जीती थी, और उन्हें जिम्मेदारी अब दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को, महिला बाल विकास मंत्री बनी है। दूसरी तरफ अमित शाह, जो पहली बार लोकसभा में चुने गए हैं सांसद के तौर पर, उन्होंने गांधीनगर में उस पारंपरिक सीट से जहां हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी लड़ा करते थे, वहां से पहली बार लड़े, 5.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की, और अब नंबर टू की, आधिकारिक तौर पर नंबर दो की कुर्सी उनके नाम, गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह। तो मोदी शाही का दौर शुरू हो चुका है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, पूरी उम्मीद थी इसी बात की। रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने हॉट सीट मानी जा रही थी पटना साहिब की, शत्रुघ्न सिन्हा को करीब 2.5 लाख वोटों से हराकर उन्होंने जीत का परचम लहराया था, पहली बार वो भी लोकसभा सांसद बने हैं, इससे पहले वो राज्यसभा सांसद थे, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में उन्होंने जीत दर्ज करते हुए पहुंच गए लोकसभा के अंदर, जहां पर कानून मंत्री बने हैं। हालांकि लगातार बने जुड़े हैं वो, बने हुए हैं, पहले भी कानून मंत्री थे। और हम रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजन सिंह मौजूद हैं। राजन जी, आपको याद होगा जब पूर्ण बहुमत आया था, 303 सीट्स आई थी बीजेपी को, तो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके दूसरे दिन ही चर्चा कर रहे थे, और हमारी चर्चा में यह बात सबसे आगे थी कि अमित शाह गृह मंत्री बन सकते हैं, और उस बात पर मुहर लग गई। राजन जी, अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे ये पहले से चर्चा की जा रही थी, हालांकि बाद में ये आया कि वित्त मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आज इस बात पर मुहर लग गई है और वो गृह मंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह को वहां से शिफ्ट किया गया है, वो रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन यहां पर एक बात साफ करना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह नंबर दो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण में मोदी के बाद उन्होंने शपथ लिया था, तो उस वक्त ही ये साफ कर दिया गया था कि कैबिनेट में उनकी हैसियत नंबर दो की होगी, भले ही उनका मंत्रालय रक्षा मंत्रालय किया गया है। उसके अलावा अमित शाह बनाए गए हैं गृह मंत्री, नितिन गडकरी को पुराना मंत्रालय यानी सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें काफी अच्छा काम किया था, और जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो कामयाबी में गिनाते रहे थे, तो उनको वापस वही मंत्रालय दिया गया है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमण रक्षा वित्त मंत्री बनाई गई हैं, जो कि पहले रक्षा मंत्री थी, तो निर्मला सीतारमण का एलिवेशन एक तरीके से कहा जाए कि वित्त मंत्रालय काफी अहम है, और अभी बजट आना है, तो निर्मला सीतारमण को एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है, उन पर भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सदानंद गौड़ा को फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया है, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, दो बड़ी जिम्मेदारी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कृषि मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज भी, तो यानी कि जो गांव तक पहुंचने की मोदी सरकार की नीति है उसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रविशंकर प्रसाद को वही जिम्मेदारी दी गई है यानी कानून मंत्रालय की, इसके अलावा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी दी गई यानी संचार मंत्रालय, एक बड़ा, पहले भी उनके पास संचार मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन एक बार क्योंकि मनोज सिन्हा हार गए हैं तो उनके जगह पर संचार मंत्रालय
रविशंकर प्रसाद को दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री यानी कि पिछली मिनिस्ट्री में ही वर्क करा रही हैं। थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मिनिस्टर, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में भी पहले भी वो थे। सबसे बड़ा नाम जो कि चौंकाने वाला नाम था एस जयशंकर का, और उन्हें मंत्री बनाया गया था और वो देश के विदेश मंत्री बनाए गए हैं, यानी देश की विदेश नीति अब एस जयशंकर के हवाले की गई है। एस जयशंकर जो कि आईएफएस ऑफिसर रहे, विदेश सचिव रहे हैं, और जिस तरीके से डोकलाम के वक्त चीन को जिस तरीके से झुकाने में कामयाबी हासिल की थी, तो उसका इनाम एस जयशंकर को मिला है। वो विदेश मंत्रालय संभालेंगे। स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महिला बाल विकास मंत्रालय दी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक को एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर को सबसे बड़ा मंत्रालय जो सूचना प्रसारण मंत्री, जो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया पर्यावरण के अलावा। पीयूष गोयल रेल मंत्री बने रहेंगे, यानी उनका कोई एलिवेशन नहीं है, उनकी जगह में कोई बदलाव नहीं किया गया है जी। महेंद्रनाथ पांडे को दिया गया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहता है। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बने रहेंगे। प्रहलाद जोशी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, यानी सरकार और जो संसद के अंदर जो दूसरे दलों के साथ समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी दी गई प्रहलाद जोशी को। अरविंद सावंत को दिया गया है हेवी इंडस्ट्री, यानी कि पहले भी शिवसेना के पास ही था, उस वक्त अनंत गीते थे, अनंत गीते चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जगह पर अरविंद सावंत को दिया गया है। गिरिराज सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है एनिमल हस्बेंड्री दी गई है, यानी कि किसानों और फिशरी और ये सब में काफी अच्छा काम किया था। राजन जी, जब ये आपको याद होगा कि जब बिहार में ये थे मंत्री, बिहार सरकार में, तो उस वक्त भी मत्स्य का जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए ही इनको एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी मिनिस्ट्री दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति, यानी कि जिस तरीके से जल शक्ति, गंगा, नमामि गंगे योजना और तमाम जो योजनाएं हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को यह माना जा रहा था कि उनको किसी मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, एक नया मंत्रालय बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट चार्ज वाले संतोष कुमार गंगवार को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया लेबर मिनिस्ट्री का। राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, जो पहले भी था उनके पास। श्रीपद नायक को स्टेट मिनिस्टर आयुष, जो कि पहले भी थे आयुर्वेदा और जो, तो उन तमाम मंत्रालय आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट, तो उनके अलावा उनके पास ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा एक बार वापस उन्हें पीएमओ का राज्य मंत्री बरकरार रखा गया है, तो ये अहम जिम्मेदारी है कि इंडिपेंडेंट चार्ज के अलावा जो पीएमओ जो राज्य मंत्री के तौर पर भी वो अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभालते रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहेंगे, डीओपीटी मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी, यानी सीबीआई की जो मिनिस्ट्री होती है डीओपीटी, वो उनके पास है। किरण रिजिजू एक बड़ा नाम जो कि पहले गृह राज्य मंत्री थे, उनको दिया गया है यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी राज्यवर्धन राठौर के पास जो मंत्रालय था वो उठाकर सीधे सीधे किरण रिजिजू को सौंपा गया है। ये दोनों मंत्री एक जमाने में फिटनेस के लिए काफी जाने जाते थे और सोशल मीडिया पर खेलो इंडिया के तहत और उसमें काफी अहम भूमिका निभाई थी। उसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल को जिम्मेदारी दी गई है कल्चर मिनिस्ट्री की, यानी महेश शर्मा के पास जो मंत्रालय था उसकी जिम्मेदारी प्रहलाद सिंह पटेल को दी गई है। आरके सिंह वापस ऊर्जा मंत्री बने रहेंगे, आरके सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है ऊर्जा मंत्रालय के अलावा, रिन्यूएबल एनर्जी की भी जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी वो राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। यानी आरके सिंह को एक और अहम मंत्रालय दिया गया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिसके लिए रोजगार बढ़ाने की जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री ने काफी अहम इस मंत्रालय को पहली बार बनाया गया था, तो ये जिम्मेदारी हरदीप पुरी के पास वापस जो शहरी विकास मंत्रालय है वो रहेगा। इसके अलावा मनसुख मंडाविया के पास शिपिंग मिनिस्ट्री, यानी कि वो नितिन गडकरी के नीचे राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे, तो ये अहम मंत्रालय है। उसके अलावा राज्य मंत्रियों का की बात अगर करें तो उस राज्य मंत्रियों में पुरुषोत्तम रूपाला को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया, यानी वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रहेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते स्टील मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर रहेंगे, यानी कि हर्षवर्धन के साथ राज्य मंत्री बनेंगे। वो पहले जेपी नड्डा जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त भी वो राज्य मंत्री के तौर पर थे, और यहाँ भी उनके अनुभव का इस्तेमाल किया गया है। निश्चित तौर पर वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं इससे पहले भी। यहाँ एक अहम नाम है जनरल वीके सिंह का। जनरल वीके सिंह को इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो नहीं, पहले भी नहीं था और इस बार भी नहीं मिला, लेकिन इस बार उनको विदेश राज्य मंत्री के बजाय उन्हें स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और हाईवेज, यानी नितिन गडकरी के साथ अब जनरल वीके सिंह काम करेंगे। और अनुराग ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें वित्त मंत्रालय में, यानी निर्मला सीतारमण के साथ
अनुराग ठाकुर को एक पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय में जिम्मा सौंपा गया है। तो ऐसे तहम इसके अलावा सुरेश आंगड़ी जो कि रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा रहेगा, नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया, अहम जिम्मेदारी दी गई, गृह राज्य मंत्री बने हैं नित्यानंद राय, रतनलाल कटारिया इनको बनाया गया जल शक्ति मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही ये काम करेंगे, रेणुका सिंह इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, साथ ही जो अहम नाम है कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से जीते थे जिन्होंने मानवेंद्र सिंह को हराया था उन्हें दिया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, साथ ही सुश्री देवश्री चौधरी जो कि रायगंज से जीती थी और मोहम्मद सलीम और दीपा दास मुंशी को हराया था उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, स्मृति ईरानी के साथ महिला बाल विकास मंत्रालय में काम करी। तो ये तमाम मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ से जो पुराने मंत्री हैं कई मंत्रियों को उनका पुराना विभाग वापस रखा है, वहीं कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी गई है, हालांकि कई मंत्रियों के पास दो दो मंत्रालय हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि अभी क्योंकि 58 मंत्री है प्रधानमंत्री को लगाकर तो आने वाले समय में बजट सेशन से पहले एक और एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का जिसमें कई और नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और कई मंत्रालयों की जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक्सपीरियंस था और जो चौंकाने वाला नाम सबसे अमित शाह का ये कहा जा सकता है कि वो गृह मंत्री बने हैं भले ही सरकार में नंबर तीन की हैसियत होगी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनेंगी जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अमित शाह नहीं बनते हैं तो उस उनकी जगह पर पीयूष गोयल को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पीयूष गोयल को नहीं बनाया गया, पीयूष गोयल वापस रेल मंत्री रहेंगे। तो ये तमाम ऐसी जिम्मेदारियां राजनाथ सिंह अब रक्षा मंत्रालय में क्योंकि अभी तक आंतरिक सुरक्षा संभालते रहते हैं अब वो देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के मंत्रालय के पास होगी और वहां पर किस तरीके से वो नेतृत्व देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता था तो उस वक्त जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर होता था वहां पर बीएसएफ तैनात थी और उस वक्त बीएसएफ को उन्होंने खुली छूट दी थी, तो क्या सेना को एलओसी पर खुली छूट देंगे यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम नाम आप नीचे भी पढ़ सकते हैं जितने भी दर्शक हैं कि इस वक्त कौन क्या है, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमलेंदु उपाध्याय जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका अमलेंदु जी न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपने देखा तमाम नामों की भी हमने चर्चा की, आप क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया आपकी खास तौर से अमित शाह के गृह मंत्री बनने पर और निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? देखिए अमित शाह जी को गृह मंत्रालय मिला है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के ऊपर अमित शाह जी का दबाव जो है वो जारी रहेगा जी, और अटल जी के समय में जिस तरीके से आडवाणी जी की हैसियत थी वही इस सरकार में अमित शाह जी की हैसियत है, और मुझे लगता है कि एक तरीके से इसलिए भी ठीक है कि ये जो जीत प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है खास मतलब मोदी जी को मिली है तो उसके मुख्य शिल्पकार अमित शाह ही हैं, जमीन पे काम उनका ही था तो इस तरीके से उनको नवाजना ठीक था, लेकिन जहां तक नंबर दो और तीन का सवाल है मुझे लगता है कि शायद नंबर दो तीन की अब चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर दो और तीन की चर्चा होगी तो फिर ये माना जाएगा कि राजनाथ सिंह जी जो है मार्गदर्शक मंडल में जाते जाते बचे हैं बड़ी मुश्किल से जी, तो ये मुझे लगता है कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए नंबर दो और तीन की, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो वित्त मंत्रालय को लेकर के है, पिछली सरकार में भी ये कमी खलती रही कि कोई भी अनुभवी वित्त मंत्री जो है वो सरकार के पास नहीं है, और अब भी निर्मला सीतारमण जी का जो है मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्रालय में उनका कोई इस तरीके का कोई अनुभव होगा, तो ये एक बड़ी मतलब सोचने वाली बात है, और दूसरा जो मंत्रिमंडल में जिस तरीके से पुराने और नए लोगों को लेकर के जो सामंजस्य होना चाहिए था उसकी भी थोड़ी सी कमी जो है थोड़ी सी खटकती है, लेकिन ठीक है नया मंत्रिमंडल है अच्छा है, लगता है कि सरकार अच्छी तरीके से काम करेगी, पिछले 5 साल में जो नहीं हो पाए उनको अगले 5 सालों में सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमलेंदु जी, और एक प्रतिक्रिया छोटी सी संजीव जी आपकी भी, यानी अब ये मान के चला जाए आधिकारिक तौर पर मोदी शाही आज से शुरू हो चुकी है, सामने है, इसमें मानना क्या है, सामने है, अमित शाह दो नंबर पे हैं, भले अमलेंदु जी नंबर की चर्चा ना करें लेकिन दो नंबर पे हैं और मोदी शाही आप कह सकते हैं कि वो शुरू है, ये दो नंबर हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री की जो पोस्ट होती है कहीं ना कहीं उसको दूसरे नंबर पे ही रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और चौंकाने वाली बात थोड़ी सी ये है कि अभी चर्चा हो रही थी कि निर्मला सीतारमण को जिस वक्त रक्षा मंत्रालय दिया गया था उस वक्त भी हम लोग चौंक गए थे और आज भी चौंक गए, उनको यदि वित्त मंत्रालय दिया गया तो हम लोग समझते थे कि पीयूष गोयल इसके लिए या फिर उस तरह के अनुभवी चेहरे होने चाहिए थे, लेकिन अब सरकार
सरकार की अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है, वो जो भी यहाँ पर तमाम अनुभवी पैनल बैठा हुआ है, प्रेम जी आप भी हैं, अमरिंदू जी आप भी हैं, राहुल जी और संजीव जी, मुझे याद नहीं आ रहा है हाल के दिनों में क्या कोई ये महिला वित्त मंत्रालय का पदभार संभाला है किसी ने, अगर याद हो आपको तो प्रेम जी। जी मुझे भी, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई महिला वित्त मंत्री इससे पहले हुई है, क्योंकि रक्षा मंत्री भी जब बनी थी तो ये था कि पहली बार रक्षा मंत्री बनी है कोई महिला, तो क्या इस बार वित्त मंत्री का भी ऐसा ही माना जाए, क्योंकि याद मुझे भी अभी तक नहीं बहुत संभव है, मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गलती हो सकती है, याद नहीं आ रहा है मुझे कि जहाँ तक नहीं है कोई महिला नहीं बनी है मेरी भी जहाँ तक जानकारी है, लेकिन खैर इसमें महिला या पुरुष का मामला नहीं है, मामला अनुभव का है, चूंकि वो मंत्रालय जो है वो अनुभवी जैसा कि हम लोग मानते चले आ रहे हैं, एक हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीजों के लिए जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, जो हमने पहले रक्षा मंत्रालय का पदभार भी देखा था वो निर्मला सीतारमन को दे दिया था, और कहीं ना कहीं इस बार भी उस भरोसे पर खरी उतरी है, इसलिए वित्त मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। क्यों राहुल जी, क्या कहेंगे आप? पहला तो सबसे बड़ी बात कि जो नई मंत्रिमंडल के गठन हुआ है और उसमें जो सारे मंत्री तमाम आए हैं उन सभी को शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से, और मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी काफी सुलझी हुई एक व्यक्तित्व है, और मुझे पूरा विश्वास है पिछले तीन साढ़े तीन चार साल जब उनको रक्षा मंत्रालय का जब से उनको कार्यभार दिया गया था उसके बाद से उन्होंने जितनी सशक्तता दिखाई थी, चाहे वो जो सेनाओं को हित को लेकर मामला हो या जो ऑर्डिनेंस के समान या राफेल को लेकर जिस तरीके से उनका पलटवार होता था, राहुल गांधी का जो पलटवार करती थी वो भी बड़ा शानदार करती थी। देखिए एक नाजायज मुद्दे को मुद्दा बनाने नहीं, मैं उनकी समझ की बात कर रहा हूं, मैं राहुल जी मैं उनकी समझ की बात कर रहा हूं, समझदारी की जिसकी तरफ आपने इशारा किया। हां तो उस हालत में जिस तरह से सशक्तता से उन्होंने बातों को रखा चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लिए एक नया मंत्रालय जरूर है, लेकिन जो उनका अनुभव है और एक पढ़ी लिखी समझदार हाईली क्वालिफाइड एक महिला है, तो उस स्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी बड़े सशक्त तरीके से वित्त मंत्रालय को संभालेंगी, और आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गरीबों किसानों इन लोगों के विकास में और भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत, जो हम अभी छठे नंबर पे हैं उसको चौथे नंबर पे लाने की जो हमारी कोशिश है जो पहल है उस पर जरूर अमल होगा, और हम भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे उनके नेतृत्व में जो वित्त मंत्रालय काम करेगी। बिल्कुल अमलेंदु जी एक सवाल आपसे भी, खासतौर से अगर आप ये देखें, आप नित्यानंद राय बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष थे उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, यानी वो अमित शाह के साथ साथ ही रहेंगे, और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जिनकी हम लोग लगातार बात कर रहे थे, अनुराग ठाकुर भी वहां पर वित्त राज्य मंत्री हैं, यानी वो निर्मला सीतारमण को सहयोग देंगे साथ देंगे, ये इन दोनों को कैसे देख रहे हैं आप, अनुराग ठाकुर नित्यानंद राय? देखिए नित्यानंद राय जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, तो जितना अनुभव अमित शाह जी का है केंद्रीय राजनीति में उतना ही अनुभव समझ लीजिए कि नित्यानंद राय जी का है केंद्रीय राजनीति में। तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय किस तरीके से चलेगा ये देखने वाली बड़ी चीज़ होगी और बड़ा दिलचस्प होगा। जहां तक अनुराग ठाकुर का सवाल है तो वहां भी फिर वही सवाल आता है कि वित्त मंत्रालय में जो है दोनों लोग बिल्कुल नए दे दिए गए हैं, और वित्त के संबंध में दोनों की कोई पहले से कोई अच्छी पकड़ रही हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब जेटली जी वित्त मंत्री थे तो जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार जो थे वो कई आरोप लगाते रहते थे, और उनका दावा यह हुआ करता था क्योंकि वो हार्वर्ड रिटर्न है और इकोनॉमिस्ट भी हैं तो उनको जो है वो वित्त मंत्रालय दिया जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है ये ऐसा मंत्रिमंडल है जिसपे संघ परिवार का दबाव नहीं है, ये मोदी जी का अपना मंत्रिमंडल है और संघ परिवार जो किसी भी तरीके का दबाव डालने में कामयाब नहीं हुआ है, ये मेरा अपना मानना है, वो सही हो या गलत हो ये बात अलग। प्रेम जी, प्रेम जी अगर एक अच्छे तरफ इशारा किया इन्होंने अमलेंदू जी ने कि खास तौर से दो दो चीज, आरएसएस का यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये अपना अपना नरेंद्र मोदी का पोर्टफोलियो है, नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है। दूसरा ये कि दोनों ही अनुभवहीन है, वित्त मंत्री अगर निर्मला सीतारमण की बात करें और अनुराग ठाकुर जो राज्य वित्त मंत्री है वित्त राज्य। मैं अमलेंदू जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि संघ का प्रभाव इस मंत्र परिषद में नहीं दिखता है, और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि वित्त और गृह
ये दोनों ही बिल्कुल नए चेहरे हैं। कॉम्बिनेशन भी देखें तो कॉम्बिनेशन में भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि कोई उस मंत्रालय का कोई अनुभव वाला चेहरा हो। लेकिन ये कॉम्बिनेशन वो गुजरात वाला कॉम्बिनेशन जरूर है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी तो उस वक्त गृहमंत्री अमित शाह हुआ करते थे, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर रखा गया है। बिल्कुल उस अनुभव को ही तरजीह दी गई है कि अगर किसी प्रदेश में भी किसी ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो उसका उसको यहाँ रिलेट किया गया है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि पहली बार जो मंत्री बनते हैं, जैसे मान लीजिए आप यशवंत सिन्हा जी को ही याद कीजिए, जब वो वित्त मंत्री बने थे तो उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव था, कोई वित्त मंत्रालय का अनुभव नहीं था, तो पहली बार ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ख्याल किया जाना चाहिए कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उसमें अचानक से सब नए मंत्री ना आ जाएं। फिर भी ये कॉल तो प्रधानमंत्री जी का है, मैं यही कहूंगा। और विदेश मंत्री की भी जो हम लोग बात कर रहे थे वो भी बिल्कुल नए, वो भी बिल्कुल नए, लेकिन फिर भी नए हम नहीं कह सकते क्योंकि विदेश के मोर्चे पर जितना अनुभव उनके पास है, शायद कोई दूसरा व्यक्ति मंत्री होता तो उनके पास नहीं होता, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ये कार्यपाल इसका प्रशासन का हिस्सा होते हुए भारतीय भारत सरकार का वो अनुभव था। लेकिन ये जो मंत्रालय में जो अनुभव होता है ये कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हम एस जयशंकर जी का उदाहरण नाम जो है औरों के साथ नहीं रख सकते। बिल्कुल। और संजीव जी, यहां पर स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महिला बाल मंत्री उन्हें बनाया गया, जिसकी उम्मीद हम लोग लगातार कर भी रहे थे कि उन्हें एक अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और क्या उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से एक अच्छी और वाजिब जिम्मेदारी महिला मंत्री? मुझे लगता है कि इससे बड़ी जिम्मेवारी वो पहले निभा चुकी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिस पर काफी विवाद हुआ तो उससे बड़ी मंत्रालय वो संभाल चुकी हैं। और चूंकि अमेठी की जीत साधारण जीत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है और बड़े ही मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और एक तरह से राहुल गांधी को धूल चटाया है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, राहुल गांधी का पलायन वहां से हुआ है तो उसके एक पुरस्कार के रूप में या उनका अपना कद भी है, उस तरह से उन्होंने मेहनत भी करी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से एक लंबा समय दिया है उन्होंने, एक मंत्रालय तो उनके लिए बनता ही था, लेकिन ये बाल विकास मंत्रालय यदि उनको मिला है, अब सवाल ये है कि जिम्मेवारी वो कितने बेहतर ढंग से निभा पाती हैं और लोगों के नजरों में कितना बेहतर काम कर पाती हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिम्मेवारी तो उनको मिलनी ही थी, ये तो तय ही था जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया था और जिस तरह से अमेठी में जीत। राहुल जी, जिम्मेदारी से क्या लगता है आपको, एक जो डिजर्व करती थी वैसी जिम्मेदारी है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, क्या मानेंगे? नहीं, बिल्कुल वो डिजर्व करती थी, और खासकर माननीय मोदी जी का महिला सशक्तिकरण पे या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन या फिर तीन तलाक के मुद्दे पर जो मुस्लिम बहने हैं उनके लिए काम करने की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें तो जिस पर पिछली सरकार में भी काफी अहमियत थी और इस पर काफी ध्यान दिया गया था, खासकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन थे उसको एक आंदोलन बनाया गया, हरियाणा तमाम जैसे स्टेट और खासकर जो एक जेंडर इक्वालिटी थी उस इनइक्वालिटी को भरने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, जिस तरह से 12 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ अगर कोई रेप या कुछ तरह का मामला होता है उसमें मौत की सजा को लाना, तो माननीय मोदी जी का पूरा ध्यान है कि महिला और बच्चों खासकर जो बाल विकास है उसको काफी महत्व दिया जाए, वो आने वाले भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए और जो कारगर तरीके से क्षमता के साथ स्मृति ईरानी जी काम करती हैं, जिस तरह से 5 साल का देखा गया, जो लोगों के बीच में रहती हैं, कनेक्ट करती हैं, वो 5 साल हारने के बाद भी अमेठी में सबसे ज्यादा टाइम देने वाली नेत्री थी, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि एक अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है और उसी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगी भी। अमलेंदु जी, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ही हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें नितिन गडकरी वो भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड हाईवेज हैं जो पहले से भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर को आप ले लीजिए, पीयूष गोयल को ले लीजिए, रेल मंत्री अभी भी वो रहेंगे, तो यहां पर कोई भी किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया, जहां पर थोड़ी सी संभावना लग रही थी शायद पीयूष गोयल को उठाकर अगर वित्त मंत्री के तरफ भेजा जाता, वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो शायद ये एक संभावना लग रही थी कि ये परिवर्तन हो सकता था, पर यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है। अमलेंदु जी, नहीं, पीयूष गोयल की असल में इसलिए संभावना जताई जा रही थी कि पीयूष गोयल चूंकि कई बार अरुण जेटली जी की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल चुके हैं तो इसलिए संभावना जताई जा रही थी, हालांकि पीयूष जी भी वित्त मंत्रालय के मतलब वित्त मामलों के एक्सपर्ट नहीं हैं,
वो चार्टर्ड अकाउंट हैं, अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्र की जानकारी के लिहाज से वो फिट नहीं बैठते थे, लेकिन चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जो सरकार के आंकड़े हैं उनको तो इधर से उधर करना वो तो काम अच्छे से कर ही सकते हैं, लेकिन उनको जो रेल मंत्रालय में ही रखा गया है, ठीक है, उनका पिछला काम ठीक ठाक था कुल मिलाकर के अगर देखा जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि सुरेश प्रभु जैसे व्यक्ति जो है वो ड्रॉप कर दिए गए जी, ये एक बड़ी बात है इस मंत्रिमंडल में। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी सन 77 में जो बनी थी, उसके बाद से संभवतः ये पहली बार है कि कोई गांधी जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं है। नहीं तो उसमें एक कयास एक लग रहा है, एक कयास लग रहा है, क्योंकि देखिए पहले नाम आ रहा था संतोष गंगवार और मेनका गांधी, दो वरिष्ठतम मंत्री क्या कह सकते हैं सांसद पहुंचे हैं इस बार, तो यह कयास आ रहा था कि इन दोनों में से एक प्रोटेम स्पीकर बन सकता है। चूंकि संतोष गंगवार को कैबिनेट में शामिल किया गया है, राज्यमंत्री है वो स्वतंत्र प्रभार में, तो शायद जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेनका गांधी को हो सकता है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाए। जी जी हाँ, नहीं हो सकता है मतलब, लेकिन तो फिर ये पहली बार होगा कि कोई गांधी जो मंत्रिमंडल में नहीं होगा, मतलब प्रोटेम स्पीकर भी अगर बनती है, स्पीकर भी बनती है तो ये पहली बार होगा, मतलब सन 77 के बाद जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है कि कोई गांधी जो मंत्रिमंडल में नहीं होगा। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था वो लगता है वो गांधी मुक्त सरकार की तरफ जो है ये कदम भी माना जा सकता है, अगर आप मतलब दूसरे नजरिए से इसको देखना चाहें। बिल्कुल दूसरे नजरिए तरफ चले गए। दूसरा है कि जो मैंने बात पहले भी जी जी और दूसरी बात ये है कि मतलब जो मैंने पहले भी कहा कि मतलब इस बात का ख्याल नहीं रखा गया जो वरिष्ठता, अब जैसे संतोष गंगवार जी हैं अनुभवी भी हैं और परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा मंत्रिमंडल में भी और अपने क्षेत्र में भी जी, तो 8 बार के सांसद जो है वो भी राज्य मंत्री हैं और आर के सिंह भी राज्य मंत्री हैं, और ये मतलब कुछ चीजें खटकती हैं, लेकिन वो जैसा पहले भी मैंने कहा कि ये पूर्णतः मोदी जी का मंत्रिमंडल है, तो मोदी जी का अपना जो क्राइटेरिया है उस पर उन्होंने क्या परखा है ये वो अच्छे तरीके से बेहतर जान सकते हैं। सरकार उनको और अमित शाह जी को चलानी है तो ये उनके निर्णय है। सरकार जाहिर सी चीज है कि मोदीशाही अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चलानी है। राहुल जी एक सवाल मेरा आपसे यह भी है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे हालांकि वो थोड़ी सी दूसरी तरफ ले गए बातों को अमलेंदु जी, लेकिन क्या ये 77 के बाद मंत्रिमंडल में कोई भी गांधी परिवार से नहीं है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको कोई नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मेनका गांधी जी एक बड़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनका सम्मान है पूरा भारतीय जनता पार्टी में, और रही बात कांग्रेस पार्टी मुक्त करने की बात, तो कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कही। दूसरी बात, पहली चीज तो उनका कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुकात 1980 के बाद, मुझे लगता है संजय गांधी जी के मृत्यु के बाद से तो कोई रहा नहीं, उसके बाद से तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं और तमाम उनके और उनके पुत्र दोनों आदमी, तो उनको और भी जिम्मेदारियां हैं सरकार में और भी चीजें हैं, वो एक सम्मानित नेता हैं, तो इससे कहा कांग्रेस मुक्त भारत से या उनको नहीं दी गई जिम्मेदारी इससे कोई लेना देना नहीं है। और माननीय मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, और उनको पूरा सम्मान है हमारे पार्टी में, तो बाकी जिम्मेदारी तय करने का कार्य जो ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने तरीके से तय करता है, और मुझे विश्वास है कि उनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र भी जुड़ गए हैं, स्वागत है अखिलेश मिश्र जी। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कई परिवर्तन, और इस परिवर्तन में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम वो ये आया कि वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमन, गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह, और रक्षा मंत्री के तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है राजनाथ सिंह को। क्या प्रतिक्रिया आपकी है अखिलेश जी? अखिलेश जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि उनसे फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल हम उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम जी, जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें कुछ एक ऐसे भी नाम है जो अनुभव के आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं फिट किया गया है। आप देखें, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, अश्वनी चौबे जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार वो राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग में, दूसरी तरफ मत्स्य का जिम्मेदारी पूरे तरीके से दे दी गई है गिरिराज सिंह को, जिनका हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो भी बिहार सरकार में मत्स्य विभाग संभाल चुके हैं। तो क्या ये थोड़ा सा अगर हम देखें इस मंत्रिमंडल को, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे से इसके पीछे रणनीति भी बनाई गई है, होमवर्क भी किया गया है। हाँ, वित्त मंत्री की हम बात छोड़ दें, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, लेकिन उसके अलावा जो नाम है, ऐसा लग रहा है आपको कि होमवर्क के साथ इन नामों का ऐलान किया गया है, विभागों का ऐलान किया गया है?
बिल्कुल होमवर्क दिखता है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहले भी अश्विनी चौबे रहे थे, उनका पद, उनकी जगह, उनकी जिम्मेदारी जो है बरकरार रखी गई है, और गिरिराज सिंह जी भी उस विभाग से जुड़े रहे हैं, तो ये उनका कद जो है स्वतंत्र प्रभार के रूप में जरूर बढ़ा है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो बात अभी चर्चा में नहीं आई, निशंक जी का नाम जो HRD मिनिस्टर बने हैं, तो एक अच्छा चयन मैं कह सकता हूँ कि निशंक जी का जो है अनुभव शिक्षा जगत से, साहित्य से और जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही एक अच्छा चयन, मुझे जो मंत्रिपरिषद दिख रहा है उसमें मैं निशंक जी का चयन HRD मिनिस्टर के तौर पर, यहाँ पर भी होमवर्क ही कहेंगे क्योंकि इससे पहले HRD को लेकर कई विवाद हो चुके हैं, तो इस बार एक ऐसा चेहरे को लाया गया जहाँ पर विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही, जहाँ स्मृति ईरानी आई है, तो उससे पहले ये वो मंत्रालय थे, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस पर की मतलब प्रचार प्रसार पर बहुत ज्यादा खर्च करने के आरोप लगे थे, एक्चुअल में ये बात बहुत मीडिया में आई थी। तो जाहिर है कि मेनका गांधी जी के परफॉर्मेंस और दूसरे, पता नहीं, हो सकता है कुछ अच्छा उनके लिए सोच रखा हो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिलहाल कैबिनेट जो पहली बनी है उसमें मेनका गांधी का नहीं होना चौंका रहा है, और हमें लगता है कि शायद उस वजह से भी उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा सवाल उठा था। तो स्मृति ईरानी जी के पास में एक चुनौती रहेगी इस महिला बाल विकास विभाग में अच्छा काम करके दिखाने की, और उनके साथ भी जो कुछ एक सवाल दूसरे मंत्रालयों से जुड़े थे वो नहीं आएंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो एक मुझे लग रहा है कि एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है, और पुराने अनुभव से सीखने की जो कोशिश है, वो इस कैबिनेट में दिख रही है, इस मंत्रिपरिषद में दिख रही है। बिल्कुल संजीव कौशिक जी, इसमें कोई शक नहीं, मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो ऊपर के एक दो तीन नाम जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा चौंकाने वाला आउट ऑफ द बॉक्स चयन हुआ है, लेकिन उसके अलावा मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर देखें, अगर क्रिकेट की भाषा में, क्रिकेट टीम की भाषा में देखें, तो एक परफेक्ट और बैलेंस्ड टीम नजर आ रही है, जहां पर ऑलराउंडर्स भी हैं, जहां पर युवा भी हैं, जहां पर अनुभव भी है, एक ओपनर्स की अगर बात छोड़ दें, कैप्टन से लेकर सब बैलेंस नजर आ रहा है। देखिए, हम एक बार फिर चर्चा करना चाहेंगे, अभी चर्चा चल रही थी कि मेनका गांधी के बारे में, तो मुझे लगता है कि मेनका गांधी के बारे में जो चर्चा दो तीन दिनों से हम भी सुन रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर की बात चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि शायद ये वो पद स्वीकार ना करें, शायद, क्योंकि जब वो इस तरह के कंडीशन में आएंगी तो गांधी परिवार से लगातार उनका सामना होना या एक दुविधा की स्थिति जो बनी रहेगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति हो, और एक असहज करने की कोशिश शायद हो यदि उनको ये मंत्रालय देने, ये पोस्ट देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और सोचा गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार में जो अभी कैबिनेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जितने भी सबसे ज्यादा वजनी, जिनको महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उन्हें तो ला ही गया है इसमें, इसके बाद में विस्तार तो अभी होना बाकी है, और विस्तार तो विस्तार की ही बात होती है, महत्वपूर्ण या प्रमुख यानी संभावनाएं अभी भी हैं मेनका गांधी के वापस आने की, जैसा राहुल जी ने भी शुरू में बताया कि 65 तक जा सकता है, 65 से 70 ये आंकड़ा हो सकता है, अभी तो 57 है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र। अखिलेश मिश्र जी, आखिरकार मुहर लग गई, और जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी, हम न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर ये कई बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि शायद मोदी शाही इस बार होगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उस पर मुहर लग गई, अमित शाह गृह मंत्री हो गए हैं, लेकिन वित्त मंत्री चौंकाने वाला नाम, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हो गई हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण का जो कार्यकाल रहा है पिछला, उसमें उनको वित्त मंत्रालय का दर्जा इस बार दिया गया है, जरूर थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, निर्मला सीतारमण आर्थिक मामलों की अच्छी जानकार रही हैं, कॉमर्स मंत्रालय भी उन्होंने देखा है, और अब ऐसा अक्सर हुआ है जब हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, तो उनके कई आर्थिक मामलों में बड़ी बहुत तेज बातचीत और लंबी लंबी मीटिंगें होती रही हैं अरुण जेटली से, तो ऐसा कोई नहीं है कि निर्मला सीतारमण कोई बहुत आर्थिक मामलों में एकदम अनभिज्ञ हैं, उनकी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैंने जहां पे जिससे पूछिए, सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो यही है कि गृह मंत्री कौन बना, गृह मंत्री अमित शाह का बनना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया है, हालांकि उनको कैबिनेट में नंबर दो का दर्जा मिला हुआ है, जो आप देखेंगे शपथ ग्रहण में भी था, वही हायरार्की मेंटेन की गई है, जो सूची हम लोग के पास राष्ट्रपति भवन से आई है उसमें भी उनके दर्जे को मेंटेन किया गया है। लेकिन जरूर अभी मैं सुन रहा था आप सब लोगों को, निश्चित तौर पर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ चीजें जरूर इस मंत्रिमंडल में भी चौंकाती हैं, जैसे चर्चा हो रही थी कि संतोष गंगवार 8 बार के सांसद हैं,
अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भारी भरकम मंत्रालय में रहे हैं और उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। हालांकि हमारी जब बातचीत हुई तो बहुत स्वतंत्र खुश थे और कह रहे थे कि उन्हें मोदी ने जो भी दायित्व दिया है उसको और उसका वो निर्वहन करेंगे, लेकिन अब सारा कयास इस पर लगा हुआ है कि दूसरी बात मैं ये भी बताऊँ कि रमेश पोखरियाल निशंक उनको जो HRD मंत्रालय दिया गया वो भी उनके वजन को देखते हुए दिया गया है, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, और HRD मंत्रालय पे सब लोगों की निगाहें थी कि आखिर किसको मिलेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जिन लोगों को मंत्रालय मिल गया है वो तो अपने कामकाज को लेकर के अब अपने विभाग को संभालेंगे, लेकिन अभी जो संभावना बनी हुई है जो अभी कहा गया है जी मेनका गांधी पर क्या कहेंगे? मेनका गांधी ना मंत्रिमंडल में शामिल हुई है अभी तक, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रोटेम स्पीकर बन सकती हैं। देखिए प्रोटेम स्पीकर का कोई बहुत ज्यादा काम होता नहीं है हाउस में, वो उसका काम ये होता है पहले तो जो जितने जो सांसद आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करता है, तो वो है। और इसके पहले कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले, तो ये कोई प्रोटेम स्पीकर कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। लेकिन जो अभी अपने जो विशेषज्ञ लोग बैठे थे जो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मेनका गांधी के लिए सोचा होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा कि गांधी किसी कैबिनेट में शामिल नहीं है, गांधी टाइटल तो ये जरूर सोचा होगा। लेकिन प्रोटेम स्पीकर इतनी बड़ी बात नहीं है, और शायद जो आप लोग चर्चा कर रहे थे शायद मेनका गांधी इस बात को स्वीकार भी ना करें, तो ज्यादा सच्चाई मुझे इसी बात में लग रही है जी। और दूसरी तरफ अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें पंजाब की तरफ, हरसिमरत कौर एक बार फिर शामिल हुई है, तो यहां पर आप कैसे देखते हैं, खासतौर से तब जब वहां से 4 सीटें मतलब NDA को, 2 अकाली दल और 2 BJP को आई थी, तो ये बैलेंस यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक लग रहा है? देखिए सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये काम किया है कि उनको मंत्रालय का विभाग करीब करीब वही दिया है, चाहे आप शिवसेना की बात करें, चाहे आप हरसिमरत कौर बादल की बात करें, तो वो जरूर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। पंजाब जहां परफॉर्मेंस NDA का बहुत अच्छा नहीं रहा है वहां पर भी, और जहां पर बहुत अच्छा रहा वहां पर भी। लेकिन मैंने आपसे बताया कि मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अरविंद सावंत से, तो वो इस बात को लेकर नाराज जरूर थे कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में उनकी संख्या कम है, शिवसेना का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना उसे मिलना चाहिए था, और उन्होंने इस बात को कहा कि इस बात को जनता दल यूनाइटेड ने तो गलत समय पे उठाया, लेकिन इस बात को सही सही समय पे इसकी मांग करते रहेंगे कि शिवसेना का प्रतिनिधित्व और ज्यादा मिले। तो निश्चित तौर पे जो सहयोगी हैं वो मंत्रिमंडल में अपना दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा पंजाब की बात है, पंजाब में निश्चित तौर पे बैलेंस करने की कोशिश की गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अमलेंदु जी, हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें एक चर्चा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस पर प्रेम जी ने बड़ी अच्छी तरफ नजर ले गए कि रमेश पोखरियाल निशंक की अगर बात करें जिन्हें HRD मिनिस्टर बनाया गया है। HRD मिनिस्टर विवादों में रहा था पिछली बार, याद होगा आपको जब स्मृति ईरानी को बनाया गया था, कई तरीके के सवाल उठे थे, डिग्री की बात हुई थी, कई चीजें हुई थी, तो इस बार उन चीजों पर खास ध्यान दिया गया है HRD डिपार्टमेंट पर भी और महिला बाल विभाग पर भी, वहां पर भी ज्यादा खर्च को लेकर कई बातें हुई थी, तो वहां स्मृति ईरानी को ट्रांसफर कर दिया गया है, यहां पर निशांक को लाया गया जो इस मंत्रिमंडल में शायद डिजर्व भी करते हैं HRD डिपार्टमेंट की पोस्ट। नहीं, निशंक जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और निशंक जी उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम किया और उत्तराखंड में भी उनका ठीक ठाक काम था। दूसरी बात यह कि साहित्य से लगाव वाले व्यक्ति हैं, अब वो कितना जो है वो शिक्षा में काम कर सकते हैं ये देखने वाली चीज होगी, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए और मतलब उनका जो साहित्य के प्रति लगाव है उसको देखते हुए ये निर्णय मुझे लगता है कि ठीक है HRD मिनिस्ट्री उनको देना अच्छी है, और मुझे लगता है कि वो अपना परफॉर्मेंस भी यहाँ ठीक ठाक करके दिखाएंगे और दिखाना भी चाहिए उनको अपना परफॉर्मेंस। अर्जुन मुंडा के बारे में क्या कहेंगे आप, झारखंड के मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है इस बार, एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल उनके मन मुताबिक सीट भी दी गई है, पोस्ट माफ कीजिएगा, नहीं उनके मन मुताबिक भी है, और जो मतलब आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है अर्जुन मुंडा, तो मतलब वो उनको ठीक ठाक जगह मिली है और ठीक मतलब उनको स्पेस मिला है, और कई बड़े आदिवासी नेताओं को पछाड़ के पिछली बार भी जब आगे आए थे तो चौंकाने वाला नाम थे हालांकि उस समय अर्जुन मुंडा, लेकिन इस बार लगता है कि वो ठीक उनको स्थान मिला है और
क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय का मंत्रालय भी उनके पास है, तो समुदाय की बेहतरी के लिए एक अच्छा काम करें ये आशा की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले 5 सालों में लगातार ये चर्चा चलती रही कि जल जंगल जमीन पे जो है कॉरपोरेट्स के हमले बढ़ रहे हैं और ऐसे में आदिवासियों पे ही उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो सारी दुनिया में आदिवासियों के ऊपर जब संकट है और सभ्यता और संस्कृति पे जल जंगल जमीन और पर्यावरण पे भी संकट है और सारी दुनिया में जो है पर्यावरण को बचाने की जब पहल की जा रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि उनका जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पार्टी या अपने समुदाय के प्रति नहीं बल्कि देश और दुनिया के पर्यावरण के प्रति भी बढ़ जाती है। आशा की जानी चाहिए वो अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल प्रेम जी, यहाँ पर फिर होमवर्क की जो बात आती है तो दो होमवर्क यहाँ पर भी नजर डालनी पड़ेगी। अगर ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर बनते हैं अर्जुन मुंडा, लगता है कि उनके बारे में सोचा गया उसके बाद लगाया गया, जैसा बताया आप निंदू जी ने कि जहां से आते हैं उन्हें वही पोस्ट दी गई, कुछ ऐसा ही इस बार फिर कंटिन्यू किया गया मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्री बनाकर। तो पूरे तरीके से एक अच्छे बैलेंस बनाने की कोशिश हर तरीके से करने की गई है इस मंत्रिपरिषद में। हाँ, मैं अर्जुन मुंडा जी पर आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखिए ये कड़िया मुंडा जी बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो आडवाणी जी के कद के बराबर समझिए भारतीय जनता पार्टी में उस 77 के जमाने से रहे थे। इस बार भी उनको उसी तरह से विराम दिया गया जैसे 75 से ऊपर वालों को सीट नहीं दी गई, उसी सीट पर उसी जगह से अर्जुन मुंडा को इलेक्शन लड़ने के लिए दिया गया। बहुत नैरो मार्जिन से वो जीत करके आए हैं, लेकिन फिर भी और झारखंड में ऐसा माना जा रहा था कि आदिवासियों में एक रोष है, आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेकर के एक असल में एक मुद्दा उठा था, वहाँ जल जंगल जमीन वाली जो बात हो रही है वहाँ छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है और संथाल परगना एक्ट है उसको लेकर के आदिवासी जो है उसमें किसी भी छेड़छाड़ संभावित छेड़छाड़ की आशंका का विरोध कर रहे हैं। तो और खास करके आपको याद होगा राहुल गांधी जी का एक बयान जो बहुत चर्चा में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को गोली मारने की उनका सरकार ये कर रही। दरअसल एक्चुअली वो उन्होंने बहुत मोटी भाषा में बात कह दी थी, लेकिन बात वास्तव में यह है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको जब जंगल कटाई और इन चीजों से निपटना होता है तो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि हमारे पास वो पावर नहीं होते उसे निपटने के, हमारे पास पुलिस वाले पावर होने चाहिए, तो वो पावर उनको देने की बात हो रही है। लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये अर्जुन मुंडा जी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ऐसा पुलिस का पावर, गोली चलाने का पावर प्रशासनिक अधिकारियों को, फॉरेस्ट ऑफिसर को दिए जाए या न दिए जाए, ये इतना बड़ा सवाल है कि आदिवासियों से उनको रूबरू होना पड़ेगा। वो जमीन के नेता, आदिवासियों के बीच के नेता, और वो सही फैसला करेंगे ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और संजीव कौशिक जी, इस फहरिस्त में कोई एक ऐसा नाम जिसको लेकर थोड़ा सा एक हैरानी हो रही है शुरुआती छोड़कर, वित्त मंत्री लगातार हम लोग बात कर चुके, विदेश मंत्री पर भी लगातार बात कर चुके, और कुछ ऐसा नाम जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ परिवर्तन या थोड़ा सा? देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरह से किया गया है, जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ सोच समझ के वैसे लोगों को इसमें रखा गया है, कुछ अलग अलग चीज समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। पहली बात तो ये कि जो बेहतर काम कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू किया गया है, यदि उन्हें कंटिन्यू किया गया है तो इसका अर्थ ही यही है कि उन्होंने काम अच्छा किया है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया है, अब बहाने लाख बनाए लेकिन उनके काम से संतुष्ट नहीं थे एक लाइन में, तो जाहिर सी बात है उन्हें ड्रॉप किया गया है। कुछ ऐसे थे जिन्हें मंत्रालय बदल दिया गया है, उन सोचा गया है कि शायद इससे बेहतर ये यहाँ पे काम कर पाए, शुरुआती यदि 2-3 नामों की फेरबदल की बात। तुमर और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में कृषि मंत्रालय को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि तुमर को कृषि मंत्रालय मिला है लेकिन जल संसाधन मिला है शेखावत को, क्या यहाँ पर सही है दोनों ही? नहीं, देखिए काम के हिसाब से मैंने कहा कि दोनों के हिसाब से, और एक चीज और इसमें बीच में छूट रहा है उसको मैं मेंशन कर दूं कि इस मंत्रालय के गठन में इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि आने वाले चुनाव को ध्यान में, क्षेत्रीयता को भी ध्यान में रख करके, जिस फील्ड में जहां पे जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं वहां से मजबूत कौन है, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय का आगे भी आप देखेंगे कि यदि कुछ और जुड़ेंगे या ऐड होंगे या जो जो बनाए गए हैं उसको भी, उसकी भी झलक आपको दिखाई देगी। बिहार की भी बात करें, अभी बिहार में तो बेचैनी जितनी बनी हुई है आप हम लोग अभी देखें, हम लोग नीतीश बाबू को सुन रहे थे हम लोग, तो ये भी ध्यान में रखा गया है इसमें, क्योंकि हर एक कदम को भारतीय जनता पार्टी के अभी जो मुखिया हैं, ये एक नंबर या दो नंबर जिनकी बात कर रहे हैं, ये लोग आज की बात नहीं सोचते हैं, ये 5 साल के बाद की भी बात सोच रहे हैं, वो प्लानिंग उनके पास लंबा प्लानिंग है। तो एक तो बेहतर काम करके 5 सालों में लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है और दिखा देना है कि नहीं, यदि आपने 5 साल वक्त दिया है तो इस 5 साल में हमें रिजल्ट देना है।
तो उनकी भी यही कोशिश रही है कि जो बेहतर से बेहतर और काम करने का तरीका, नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है, ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी आपको दे दी गई आप निश्चित होकर आप अपना काम करते रहे, उस पर निगाहें भी उनकी है लगातार बनती रहती है, उसके उसी का नतीजा है कि या तो किसी को चेंज कर दिया गया है या किसी को कंटिन्यू किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि पैनी निगाहें हैं आपके काम पे, तो काम करने का तरीका पैनी निगाहें आपके काम पे है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव को दरकिनार भी किया गया, यह भी एक समझ में आया जो अमलिंदु जी ने जिस तरफ इशारा किया। राहुल जी, संतोष गंगवार की हम बात कर रहे हैं, संतोष गंगवार जो काफी पुराने काफी अनुभवी, जैसा अमलिंदु जी ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से हैं, वो उस वक्त भी मंत्रिमंडल में थे और अच्छी और बड़े पदभार संभाला था उन्होंने, राज्य मंत्री 8 बार के सांसद को बनाना, इस बार वो राज्य मंत्री है हालांकि स्वतंत्र प्रभार हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में। देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ऑलमोस्ट उनके जो हैसियत होती है वो कैबिनेट मंत्री की होती है ऑलमोस्ट, और उनको वो सारा सम्मान दिया गया है, और संतोष गंगवार जी ने पीछे भी पांच साल में जो काम किया है जिस तरह से उनके बेहतर परफॉर्मेंस रहे हैं उसको पूरा सम्मान दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ कोई ऐसी नाइंसाफी हुई है या कुछ भी हुई है। और जैसा कि अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि उनकी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और मैं खुश हूं कि जो हमें जिम्मेदारी माननीय मोदी जी की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, तो इन बातों से यही दिखता है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई उसको अच्छे तरह से निभाएंगे और उनको पूरे सम्मान को देखते हुए उनका ध्यान में रखते हुए उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाया गया है, जिसमें वो अपना काम खुद तरीके से तय कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। प्रेम जी इंडिपेंडेंट हैं लेकिन उनको श्रम एवं रोजगार विभाग दिया गया है, तो क्या यहां पर भी एक तो हम लोग इसको जरूर चर्चा कर रहे हैं कि काफी अनुभव, मैं छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा। जी बोल लीजिए राहुल जी, बात अपनी पूरी कर ली। था कि श्रम और रोजगार, आप देखें कि आज के तारीख में जिस तरह से चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो भी चीजें हैं, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, और लेबर डेवलपमेंट की बात हो या रोजगार डेवलपमेंट की बात हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, मैं वही पा रहा था राहुल जी, मैं उसी चीज को कह रहा था, इसीलिए ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। क्या ये जिम्मेदारी जो हम लोग लगातार भले ही चर्चा कर रहे हैं कि 8 बार के सांसद हैं, काफी पुराने मंत्रिमंडल में रह चुके हैं वाजपेयी के समय में, उसके बावजूद राज्य मंत्री बनना, हालांकि स्वतंत्र प्रभार है, पर रोजगार एवं श्रम का विभाग देना, क्या एक प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया, एक अनुभवी को दो रोजगार के ऊपर मिले के लगातार सवाल भी उठे हैं मोदी पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो असंतोष की बात जब तक आती नहीं है तब तक हम जैसों को उस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है, और स्वतंत्र प्रभार के रूप में जब जिम्मेदारी दी गई है उनको और जिस विभाग की दी गई, देखिए श्रम और रोजगार, आप ध्यान देंगे कि रोजगार पर बहुत सवाल उठे, चुनाव में भी सवाल उठे और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, और वास्तव में देखा जाए तो वो 45 साल में अधिकतम बेरोजगारी की दर का होना और दूसरी तमाम बातें हैं, और श्रम विभाग में भी सुधार के बहुत सारे कदम जो है पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो श्रम अधिकार और इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में कैसे तालमेल हो यह तय करना है सरकार को, तो इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने वाली है आने वाले समय में, संतोष गंगवार जी की भूमिका जो है बड़ी रहने वाली है, और उसमें उनका जो अनुभव है लंबे समय का राजनीतिक अनुभव, और बरेली से आते हैं तो इस इलाके में वो ट्रेड यूनियन को भी समझते रहे हैं, चीजों को समझते रहे, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि उसका उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने की योजना जो है एक जरूर नरेंद्र मोदी जी के मन में रही होगी। जी और एक सवाल अमलिंदु जी, हम किरण रिजिजू जी की तरफ भी पूछना चाहिए हमें, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जो ट्रांसफर हुआ है, ये पहले राजवर्धन सिंह राठौर के पास था, युवा मामला एवं खेल का स्वतंत्र प्रभार, वो अब किरण रिजिजू के पास चला गया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सही ट्रांसफर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने भी देखा था, चाहे वो खेलो इंडिया कैंपेन हो या युवाओं को आगे बढ़ाने वगैरह जहां पर भी बात हो, तो राजवर्धन के सिंह राठौर के साथ किरण रिजिजू का नाम काफी आता था, सोशल मीडिया पर भी इन चीजों को लेकर वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये स्वैप कर देना इन दोनों के बीच में, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है ये ठीक निर्णय है, इसमें इसके औचित्य में सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है, और किरण रिजिजू है वो वहां भी ठीक परफॉर्मेंस करेंगे, हालांकि गृह मंत्रालय में कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए पिछली बार कुछ था भी नहीं, गृह राज्य मंत्री के लिए इतना कुछ होता भी नहीं है परफॉर्मेंस कीजिए, तो यहाँ आप देखते हैं वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, और खेलों से जुड़ाव है उनका, ये अच्छी चीज़ है, युवा हैं ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब युवा के दर्जे में आते हैं राजनीति में, जिस उम्र को युवा माना जाता है उसके अंदर हैं, तो
अब असलियत में जो है वो युवा पे ध्यान देंगे और खेलों की तरक्की के लिए काम करेंगे, ये उनसे आशा की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये उनसे आशा की जानी चाहिए। संजीव कौशिक जी, आरके सिंह बिहार से आते हैं और उनके बारे में ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी मिल सकती है, हालांकि स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिया गया, राज्यमंत्री जरूर है, स्वतंत्र प्रभार बिजली नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा का उन्हें मिला है, तो ये क्या डिजर्विंग है, मतलब सही देख रहे हैं आप इसको? नहीं, आरके सिंह वैसे भी समझदार और उनके समझ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, समझदार हैं, तेज तरार हैं और वो उसके लायक वो रखते हैं। वो हालांकि इलेक्शन में भी कई मुद्दों पे कई बात चर्चा में उनका नाम आता रहा। एक बार हमारे मित्र ने कहीं किसी डिबेट में मैं सुन रहा था, वहाँ पे चर्चा चली थी कि ये हिंदू आतंकवाद की बात कहाँ से आई। हेलो, बोलिए बोलिए। तो उनके बारे में भी उनके नाम के साथ भी जोड़ा गया था कि पहली बार शायद उन्होंने ही चर्चा किया था, ऐसा कुछ चर्चा की जा रही थी। लेकिन फिर भी जो आज के मंत्रालय की बात हो रही है, जो उनको दिया गया, मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं इसके लिए और बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रेम जी, इन सारी चीजों के बीच में एक अगर रामदास अठावले की हम बात करें, जो जिन्हें शामिल किया गया, वो एनडीए से ही हैं और इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई, कैबिनेट में लाया गया, राज्य मंत्री हैं, हालांकि वो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री हैं, तो क्या ये भी एक संदेश दिया है नरेंद्र मोदी ने कि हम जिस भी घटक दल को ले रहे हैं, कोई ना कोई एक प्रतिनिधित्व जरूर करेगा हमारे कैबिनेट में, भले वो राज्य मंत्री में हो या स्वतंत्र प्रभार में हो या फिर देखिए, रामदास अठावले जी आज के नहीं, बहुत पुराने नेता हैं और एक खास तबके में उनका बड़ा जनाधार है और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में मिलता रहा है और उन्हें भी इधर से भी मिलता रहा है, तो गठबंधन का स्वाभाविक परिणाम होता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि गठबंधन में जो सांकेतिक प्रतिनिधित्व इस बार दिए गए हैं, जिसका कि जेडीयू ने विरोध किया है, नीतीश कुमार जी ने उस पर आपत्ति जताई है, उसका ही खामियाजा मुझे रामदास अठावले जी को भी भुगतते हुए मैं देख पा रहा हूँ। उनका जो अनुभव है लंबे समय से, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी सीट कम है, शायद गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से हावी है, इसलिए वो सांकेतिक प्रतिनिधित्व दे रही है, इसलिए उनका अपलिफ्टमेंट जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो बहुत अनुभवी हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, एक कंक्लूडिंग कमेंट, क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है, राहुल जी आपका कि किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल को, हालांकि जाहिर है आप खुश भी होंगे और तारीफ भी करेंगे, तो एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए, बड़े बेहतर तरीके से इस मंत्रालय को गठन किया गया है और जिस तरह से, जैसे विदेश है और खासकर जो मोदी सरकार के और माननीय मोदी जी का जो बेसिक जो फोकस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको, और डिप्लोमेसी के तौर पे भारत और खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ संबंधों को, उसके अलावा बाकी देशों के साथ भी है बट चाइना और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसको बड़े तरीके से देखना, यूएनओ में अपनी रिप्रेजेंटेशन देखना, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये एक मिश्रण किया गया है तमाम लोगों का, जिसके अनुभव में और सबका, और चैलेंज की तरह लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीना 1 साल के अंदर में इसका जो बेहतर परिणाम है वो दिखना शुरू हो जाएगा और ये सरकार जो है वो पिछले जो जिन्होंने हमने परफॉर्मेंस किया है, काम किया, उससे ज्यादा बेहतर ढंग से हम उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। सबका साथ सबका विकास जो आपका नारा, सबका विश्वास भी, और सबका विश्वास वो शायद इस बार जरूर दिखे, उम्मीद यही रहेगी। राहुल जी, अमलेंदु जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, और क्योंकि अभी स्क्रीन पर मुझे रामविलास पासवान साहब का चेहरा दिख गया और हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो हम चाहेंगे अपने अपने कंक्लूडिंग कमेंट में आप रामविलास पासवान साहब की भी थोड़ा सा बात कीजिए। ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उपभोक्ता मंत्रालय ही इन्हें मिला है जो पहले था। हाँ, देखिए, ये उपभोक्ता मंत्रालय उनको मिला है और मुझे लगता है कि जो जेडीयू से जो तलखी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसमें पासवान जी का भी योगदान काफ़ी माना जा रहा है, क्योंकि 6 पार्टी वाला भी बिहार से है उसको वो एक मंत्री, और 16 वाला जो है उसका भी एक मंत्री दिया जा रहा था। लेकिन मुझे जो लंबी चीज़ दिख रही है दूरी की, वो दूरी की ये दिख रही है कि अगर इस तरीके से असंतोष जो सहयोगी दल हैं उनमें रहा, तो ये जो आगे के लिए गठबंधन की चीज़ है उस पर जो है इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि आरोप यही लगते रहे हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, उसके बाद फिर उनको जो है वो भूल जाती है। तो ये आरोप सच साबित ना हो जाए इसके लिए मुझे लगता है कि मोदी जी को काम करने की आवश्यकता है, और जो अपने सहयोगी हैं, भले ही आपका पूर्ण बहुमत है, बिल्कुल 303 अकेले लेके आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके उसमें काफी उनका योगदान है, तो प्रतिनिधित्व जो है वो ठीक होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसे भी हम नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है विश्वास हासिल करना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका भी, शुक्रिया संजीव कौशिक जी, शुक्रिया प्रेम जी आपका भी, और शुक्रिया राहुल जी
आपका भी। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमने बताया कि किसको कौन सा विभाग मिला है, हमने कंप्लीट चर्चा भी की। इस चर्चा का सार यही निकला है कि जो विभागों की हम बात करें, जरूर इसमें वित्त मंत्री के नाम पर थोड़ी सी ऐसी चीज है जो आदमी चौंक भी रहा है, और कहीं ना कहीं वो विश्वास है नरेंद्र मोदी का निर्मला सीतारमण पर जो उन्हें दिया गया है। गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने पहले भी इस बात की संभावना जताई थी और उस पर मुहर लग गई है। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां थमता नहीं।